لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوه الا بالله अल्लाह तला से दुआ है कि हमारे हक़ में हजरत बने हमारे खिलाफ हजरत ना बने हर दिन हम अल्लाह की रहमतों में से जो हिस्सा समेट रहे हैं करे अल्लाह करे कि ये हमारा ज्यादा राह बन जाए हम जब अल्लाह तला के पास आए तो हमें इसमें से एक एक चीज की उस वक़्त बेहतरीन शक्ल में अल्लाह तला इससे हमें फ़ायदा दे मुझे उम्मीद है कि घर से सुनने वाले सब सेटल डाउन हो चुके हैं ये जो शुरू में थोड़ा सा वक्त आपको दिया जाता है दुआओं और दूसरी चीजों में इसका मकसद ही ये होता है कि आप सारे हिकअप्स को छोड़कर आप वापस अपनी जगह पे आ जाए है यार? الحمد لله चलिए نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فَوْسُ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتم بالخير دار القران 2023 DQ 2023 2 इनशाला इस साल हम डे वाइज चलेंगे और अपने प्लानर को साथ लेकर चलेंगे और इन ताला हमारा हर दिन का जो भी सफर होगा वो तकरीबन एक ही जितना होगा फ्यू सेकंड आगे पीछे हो सकते हैं मिनट लेकिन हम इनशा तला अपने प्लान के साथ चलेंगे कल हमने जो बात की आप सबको याद रही इसको बाद में वो बातें याद रही और उन सब स्टूडेंट्स और लिसनर्स को बहुत शाबाश जिन्होंने कल के दिन के जेम्स बनाए यकीन करें कि पढ़ाने के बाद सबसे ज्यादा मेरा दिल जिस चीज़ से खिलता है ना वो स्टूडेंट्स के नोट्स और एक्टिविटीज फिर मुझे एहसास होता है कि ये सुनते हैं वरना तो मैं खुद भी अक्सर सोचती हूँ इतनी बातें मैंने की हैं इनको क्या याद रहना है लेकिन जब मैं वो बोले हुए लफ्स वो जुमले वो जेम्स कागज पे और मुख्तल खास तौर पर शक्लों में खुले हुए देखती हूँ ना तो मेरा दिल बहुत खुश होता है तो आप सबको बहुत शाबाश क्योंकि आप लोगों ने हकीकत में लिया और जो साथी अभी भी पूरी तरह से जज्ब नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है इनशाला एक दिन ऐसा आएगा कि आप जज्ब करेंगे तो हकीकत यह है कि अल्लाह सुबहाना हमें एक बार फिर मौका दे रहे हैं कि हम इस सफर में अपने आप को मजीद निखार सकें कल के सबक में पहले पारे का जो हिस्सा पड़ा और उसके बाद जो कल हमारी डे वन की शख्सियत थी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहन हो हु। क्या उन्होंने हमारे दिलों पर असर छोड़ा क्या हमने खुद को उनके साथ जोड़कर तकाबुल करके ये फैसला किया है कि आज के बाद इन उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करेंगे वरना पढ़ना पढ़ाना कोई ज्यादा फायदा नहीं देगा सवाब तो मिल ही जाएगा अल्लाह चाहेगा जितना भी आपको और मुझे दे दे लेकिन असल बात जो है वो ये है कि फायदा मिल जाए तो लिखिए सवाब से ज्यादा फायदे की खातिर सवाब से ज्यादा फायदे की खातिर हमने इन ये सफर तय करना है और यकीन कीजिए कि अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत आपके मेरे सामने हो जिसपे हमने अपने आप को टिकाना है तो फिर तो एंड लेस एंड लेस काम है हमारे पास हम जितना ज्यादा देखेंगे जितना ज्यादा उन चीजों को जिसके ऊपर अल्लाह तला ने हमें ए, अबूर दिया आप देखेंगे कि जिंदगी में कभी भी आप काफ़ी नहीं समझेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें महसूस कम होती हैं लेकिन उसके असरा बड़े देर पा होते हैं तो मुकाम सिद्दीकियत अडोप्टिड मुकाम में सबसे ऊंचा है अल्लाह ताला ने इंसानों के जो मुख्तु गिरोह बनाए हैं ना उसमें अम्बिया और रसुल ये सब वह भी नहीं ये वह भी है यानी अल्लाह की अता से कोई नबी बनता है अल्लाह की अता से कोई रसूल बनता है ना आप में इसके लिए दुआ कर सकते हैं ना कोशिश ये लिख लीजिए जुमले आज की शुरू की जुमलों में चंद चीजें हाँ कस्बी चीजों में सबसे ऊंचा मुकाम मुकाम सिद्दीकियत है इंसान इंसानों के बीच में इतना सच्चा हो जाए कि आसमानों पर भी उसकी सच्चाई की बातें आने लगे और नबी अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई थी कि जो दुनिया में जैसा होता है आसमानों पर भी उसके लिए वही चीज आ जाती है अबू बकर सिद्दीक के बारे में अलामा इकबाल ने फारसी में कुछ अशार कहे थे जिनका तर्जमा क्या है कि इनके एहसानात हमारे आका पर सौ लोगों से ज्यादा थे वो जो तूर सीना यानी नूर इस्लाम के पहले कलिन थे इनकी हिम्मत ने मिलत की खेती के लिए अबर का काम किया यानी अबू बकर एक बादल बन के बरसे उम्मत मुस्लिम पर वो जो इस्लाम गारदान बदर और कबर में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं मुराद है कि आपकी आपकी जो कबर मुबारक है वो बिल्कुल नबी वसम के हमसाए में है आपके पड़ोस में है इतने दिन की कुर्बानियाँ दी सद्दीक ने कितने दिन रहे रहेगा में कितने दिन मक्का वालों की मुखालफत सही लेकिन आप देखेंगे कि अल्लाह सुबहान तला ने उनको जो इज्जत ता कर दी जो अल्लाह सुबहान तला ने उनको मुकाम दे दिया वो फॉर एवर है तो आपके मेरे लिए बहुत ही बड़ा सबक है और वो क्या है कि दीन के रस्ते की जो मुश्किल हैं उस पर गम ना खाए फिर क्या हो जाएगा वक्त तो गुजर ही जाता है अच्छे काम करने वालों का भी गुजर जाएगा और बुरे काम करने वालों का भी गुजर जाएगा लेकिन असल बात यह है कि उसके बाद इंजाम क्या है आप अपने बच्चों की जिंदगी में कई बार ये बात बोलती हैं कि बेटा मेहनत कर लो फिर सारी ज़िंदगी आराम ही तो करना तो आप पर मैं भी खुद को अपने इस नफ्स के बच्चे को कभी कभी ये कहा करें कि ये दुनिया काम की जगह और वो दुनिया आराम की जगह जो लोग इस दुनिया में मेहनत करके जाएंगे और मुकाकियत पे जाने की कोशिश करेंगे पहुंचे जहां भी वो तो अल्लाह जो उनको मुकाम दे दे तो वहां कब्र में या मौत के वक्त उनको कहा जाएगा कि नम क नौ मतिल उरूस ऐसे जाओ जैसे दुल्हन सोती है यानी दुल्हन को कोई नहीं उठाता आराम करवाते हैं तो तुम दुनिया में काम करके आओ तो वहां तुम्हें आराम मिलेंगे ये जुमले कभी भी आप थकने लगे ना तो मेरे याद रखा करें मैंने अपने लिए भी जिंदगी में यही एक म्यार दिया हुआ है कि ये दुनिया काम की जगह और वो दुनिया आराम की जगह सोने वालों की भी गुजर जाएगी और खाने वालों की भी गुजर जाएगी और खिलाने वालों की भी गुजर जाएगी तो इकबाल ने नेजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो खूबसूरत सी बातें की थी उनमें से ये सारी चीजें हैं आमन अन्नासर मोलाय आ कली मवल सी नायमा हिम्मत ओक औशत मिलत राचू अबर सानियलामोारदरों करो कबर तो अल्लाह के हम भी दीन के रस्तों में ऐसे ही साथी बन जाए कि हमारे बगैर कोई काम ही ना हो इतनी मोहब्बत थी सिद्दीक अकबर को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिस मोहब्बत ने हर कुर्बानी को आसान कर दिया लिखे जुमला मोहब्बत कुर्बानियों को आसान कर देती है हम अपनी जिंदगी में किसी भी काम को करते वक्त अगर हम उस काम से मोहब्बत करते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता मन पसंद मेहमान आ रहा हो कई दफा छुरी के कट लग जाते हैं किचन में फील ही नहीं होता इसलिए कि मोहब्बत होती है ना और अगर बोझ बन जाए तो काम करना भी मुश्किल हो जाता है तो ये जो के अकबर की कुर्बानियां थी ना ये मोहब्बतों के रास्ते में थीमा इकबाल ने बांगे दरा में एक नजम सिद्दीक के नाम पर बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में शान सिद्दीकी में बयान की है कि गज़बे तबू का मौका था और अल्लाह के नबी जंग की तैयारी के लिए मुसलमानों को अतियात देने की रगबत दिला रहे थे और हजरत उमर फारूक अपना आधा मालिस उम्मीद के साथ ले आए अगले पारे की शख्सियत हजरत उमर है इसलिए इसको अभी नोट कर लीजिए दोनों में मुकाबला किस बात का है कि हम में से नेकी कौन ज्यादा करता है और उमर क्या कहते हैं कि आज तो सिद्दीक के अकबर से आगे बढ़ जाऊंगा लेकिन सिद्दीक से आगे कौन निकले अपना सारा ही माल उठा लाए अलामा इकबाल ने इसको बड़े खूबसूरत पेरा में बयान किया कहते हैं कि इतने में वो रफ़ी के नबूबत भी आ गया अबू बकर की तरफ इशारा जिससे बिना इश्क मोहब्बत है इस तवार। ले आया अपने साथ वो मर्द वफा सरिश्त हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो ऐ त्योवार मिल के यमीन वरहमो दीनार इस कमरसम शुत्रो का तिरो हिमार बोले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए फिक्र एयाल भी यानी नबी ने कहा कि अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ रख लो कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का राजदार ए तुझसे महो अंजम फरोगे गिर ए तेरी जात ए तेरी जात बाय से तकवीन रोजगार परवाने को चिराग है बुलबुल बुल को फूल बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस ये मोहब्बत के सौते हैं दुआ कीजिए आपको मुझे मोहब्बत दे दे दीन से नबी से इस काम से इस मिशन से क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए और नबीसलम की हिमायत और नुसरत के लिए और इस मकसद की लगन के लिए जो सोज पाला था उसको सोजे सिद्दीकी कहते हैं सच्चा सोच आज भी जिसके दिल में दीन की सच्ची मोहब्बत होगी ना वो थकेगा ना वो अकेगा ना वो खपेगा ना वो परेशान होगा ये सोजे मांगी है अल्लाह मेरे अंदर दर्द पैदा कर दे अल्लाह जैसे मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है मुझे दीन से वो मोहब्बत हो जाए मुझे नबीसम से वो मोहब्बत हो जाए और फिर आगे लामा इकबाल कहते हैं कि तड़पने फड़कने की तोफ़ीक दे दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे जिगर से वही तीर फिर पार कर तमन्ना को सीनों में बेदार कर दे ये साकी नामा है वाले जबरीर में आप जाके खुद भी पढ़ लीजिए यानी हजरत 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 अली जैसी ऐसा दिल दे और न, हजरत अबू बकर जैसा सोच दे फिर सीनों में तीर आ जाए फिर सोच तमन्ना बन जाए बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपका पारा कंटिन्यू करूंगी इस सोच के साथ कि शायद के मेरे दिल में उतर जाए तेरी बात अंदाजे बेहटे शोक नहीं शायद के दिल में उतर जाए बात अल्लाह ने ऐसे लोगों को कैसे सहराओं में फूल बनाकर पेश कर दिया इन लोगों की कोशिशों को अगर आप सामने रखें तो फिर आपको समझ आता है कि नामुमकिन मुमकिन कैसे बनता है इस साल के दौर कुरान के बाद मुझे मेरा गुमान है कि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा नहीं क्योंकि ये मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि जब हम लो स्टैंडर्ड नेकियां करते हैं और ऐसे लोगों के किसे सुनते हैं और ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हैं ना तो फिर हमें अपनी छोटी चीज भी बहुत बड़ी लग रही होती है लेकिन जब हम बड़े लोगों में रहते हैं तो बात है ना कि बड़े लोगों की बड़ी बातें हमें भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों की सोहबत दे दे इनसे मोहब्बत दे दे और जितना ज्यादा हम इनका तस्करा सुनते हुए करते हुए पढ़ते हुए अपना जायजा लेंगे उतना ज्यादा हमें इन अमल के लिए भी रगबत भी मिलेगी और इसके बगैर कोई चारा नहीं है ये जिंदगी गुजर जाएगी सबकी गुजर रही है मेरी आपकी भी गुजर जाएगी हम भी मरेंगे कुछ लोग मरते हैं उनके ऊपर रोने वाले दो चार लोग होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि मरते हैं तो जमीन भी रोती है और आसमान भी रोता है अपनी दुआ में ये दुआ शामिल कीजिए कि अल्लाह जब मेरी मौत आए तो मुझे, भे, मुझे भे भी मुझ पर भी आसमान और जमीन रोए मेरे लिए भी जमीन खजर और शजर दुआएं करें और अल्लाह के नबी एक मौके पे एक पहाड़ के ऊपर से गुजर रहे थे आपके साथ अबू बकर उमर उस्मान थे तोहद पहाड़ कांपने लगा तो आपने अपना कि वद करार पकड़ तुझ पर एक नबी एक सिद्दीक और एक शहीद है आज के दिन में हम इन तीनों की बातें करेंगे नब्सलम अबू बकर और हजरत उमर फारूक इसलिए ऐसे नहीं मिलता ये मुकाम बड़ी मुश्किल से मिलता एक ऐसा भी मौका था कि बिनी मोहित नाम का एक शख्स नबी के पास आया आप नमाज पढ़ रहे थे उसने अपनी चादर आपकी गर्दन में डाल दी इमेजिन तो कीजिए आपका गला इतनी सख्ती से घुटा कि आपका सांस रुकने लगा और ये मंजर देखकर सिद्दीक से रहा ना गया और वो फौरन आए और अल्लाह के नबी और उस शख्स के बीच में आ गए और कहा तक था तक तुलना रबी अल्लाह एबद इंसान तो उस शख्स को तकलीफ देता है उसको कत्ल करना चाहता है जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह और तुम्हारे पास वो रोशन दलीलें भी लेकर आया बुखारी की रिवायत है ये थ्री सिक्स सेवन एट और अबू बकर की शान तो पूरी होती नहीं है क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि मेरे इमामत के मसले पे अबू बकर को खड़ा कर दो चंद दिन की कुर्बानियां होती हैं और उसका फल फिर आपकी नस्लें भी खाएंगी जो लोग दीन के लिए घुल गए जो दीन के लिए कोशिशें कर गए अल्लाह ने उनको ज़ाया नहीं किया अल्लाह की सुन्नत ही नहीं है ज़ाया करने की और आपने अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि अबू बकर को बुलाओ क्याओ लोगों की इमामत करो तो ये सारी चीजें पढ़ते वक्त सुनते वक्त हमें तो रश का रहा है ना उन पे। तो रश से ज्यादा कोशिश शौक रफबत क्योंकि सहाब क़राम की कुर्बानियां तारीख इस्लाम के बातें का झूमर थी कुर्बानियों की जमीन पे जो पौधे लगते हैं उन पे जरूर बहार आती है वो फसल बाद में उगे या वक्त पे उग जाए आपके सामने हो या आपके बाद हो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हम ये नहीं चाहते कि हमारे सामने हमारा बहुत जिक्र हो और हमारे बाद जो है वो चीजें जो है वो खत्म हो जाए तो इसके लिए जितना ज्यादा आज कोशिश करेंगे जितनी फिक्र करेंगे उतना अल्लाह लतला आसान करेगा हम बीच बीच में और बातें करते रहेंगे इन्ही शख्सियात के बारे में आप हम कंटिन्यू करेंगे अपना आज का गोल पिछला पारा हमने किस आय पे रोका बोलिए कितने रुकु पड़े? रुकु पड़े थे। आज नंबर बारह से शुरू करेंगे आयत नंबर 97 सेवन से वन ओ थ्री तक ये रुकू है चले शुरू करते हैं और आप मेरे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। टॉपिक है ईमान और तकवा की रविश इख्तियार करना इसमें हम देखेंगे कि कैसे पिछली कौमों को भी अल्लाह ताला ने इसी बात का हुक्म दिया था और आज हमें भी इसी बात का हुक्म दिया जा रहा है ईमान और तकवा की रविश तलाश ईमान और तकवा की रविश इख्तियार करना क्योंकि इसके बगैर कोई गाड़ी नहीं चलती गाड़ी में पेट्रोल ना डाले ना तो गाड़ी नहीं चलती इसी तरह ईमान और तकवा जिसके पास नहीं है वो ज्यादा देर तक फस तबेकुल कर नहीं सकता ज्यादा दिन तक वो नेकियों के इस सफर में अपने आप को जमा नहीं सकता खड़ा नहीं कर सकता इसके लिए आपको मुझे जिस चीज की कोशिश करनी है वो क्या है कि अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक दे जिसकी वजह से हमारी नेकियां बढ़ने लगे और हमें उन कामों के करने के लिए चुन ले कि जिनका असर रहती दुनिया तक बाकी रहे याद रखिए कि बनी स्टाइल जिनकी हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं ये अपने वक्त के चुने हुए लोग थे जिनको अल्लाह तला ने बहुत ही ज्यादा नियमते भी दी थी लेकिन ये खाने पीने में लग गए इनको अपना मकसद हयात भूल गया और ये दुनिया के अंदर सिर्फ अपने खाने पीनों को मकसद हयात बनाते हुए इस दुनिया से गुजर गए और जब चले गए तो अब तो कबरों में होंगे अब तो उनकी हड्डियाँ भी गलसड़ चुकी होंगी लेकिन वो लोग जो ऐसी जिंदगी बसर कर जाते हैं फिर वो चीजें बाद में उनके काम नहीं आती तो आइए देखते परमाया कह दीजिए कि जो जिब्राइल का दुश्मन हो जिसने आपके दिल पर पैगाम बारी ताला उतारा है जो पैगाम के पास की किताब की तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है तो अल्लाह ताला भी इसका दुश्मन है जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और इसके रसूलों और जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन हो ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह है और यकीन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी हैं जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं करता ये लोग जब कभी कोई अहद करते हैं तो इनकी एक न एक जमात इसे तोड़ देती है बल्कि इनमें से अक्सर ईमान से खाली हैं। जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई रसूल इनकी किताब की तस्दीक करने वाला यानी इनके पास कोई ऐसा आया जो अल्लाह की किताब की तस्दीक करता था मुराद यह है कि वो किताब उनको पेश करता था तो इन अहले किताब के एक फिरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया के वो जानते ही न थे और इस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन हजरत सुलेमान की हकूमत में पढ़ते थे सुलेमान सलेमानसलाम ने ना तो कुफर किया बल्कि वो कुफर शैतानों का था वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और बाबुल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक़्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं तुम कुफर ना करो फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे खामंद और बीवी में जुदाई डाल दें और दरअसल वो बगैर अल्लाह तला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुँचाए और नफा न पहुंचाए और वो बिल यकीन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और वो बदतरीन चीज और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने ईमान को बेच लेते हैं वो बदतरीन चीज जिसके बदले वो अपने आप को फ़रोख्त कर रहे हैं काश के वो जानते होते अगर ये लोग साहिब ईमान मतकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता अगर ये जानते होते तो ये था रफूत 97 से 103 तक इसमें हमारे लिए जो बहुत ही वाली चीज़ थी वो जादू थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे बाकी अम्बिया से जरा सा मुख्तलिफ कह लीजिए अल्लाह ने इनको मुख्तलिफ किस्म के मोजात अदा किए थे जिसमें कुछ अनयूजल चीजें थी यानी हवाओं में उड़ना और इसी तरह से परिंदों का बातें करना कुछ जिन्नात मश्र थे जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में इनके माबिनों मददगार होते थे शयातिन ने यह बात लोगों में मशहूर कर दी कि ये नबी नहीं बल्कि नौजुबिला जादूगर हैं और ये बात नसल दर नसल यानी रिवायतन सीना दर सीना बनी इसराइल के बच्चों से बच्चों के बच्चों को पहुंचती हुई नीचे तक आ चुकी थी इल्ज़ाम था एक नबी पे अब जरा नोट कीजिए सुलेमान का दौर नबिर के दौर से कितने बाद का दौर था लेकिन अल्लाह ताला कभी भी अपने किसी सच्चे बंदे पे लगा हुआ इल्जाम ऐसे नहीं छोड़ता चाहे उसकी जिंदगी में चाहे उसके बाद और यही हुआ ये आयात नाजिल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ने हज़रत अलैहि सलमान की सदाकत बयान की कि वो जादूगर नहीं थे वो तो जादू तो एक उस दौर का मशिला बन चुका था जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा यानी जादू टोने में रखते थे तो ये सारी आयात जादू से मुतलिक है आपके मेरे लिए जादू से मुतल क्या है कि जादू का इलम सीखना सिखाना इस सोच के साथ भी कि जी किसी ने हम पे जादू कर दिया हम तो तोड़ करने लगे इस्लाम में इसकी खतन इजाजत नहीं है अगर आप देखें तो अल्लाह की रजा पाने वाले लोग कौन होते हैं जो जादू ढूंढने में बिल्कुल नहीं रहते आप अगर इस पूरे मामले को समझते हुए अपने लिए ये चीजें रख दे कि जादू से इस्लाम का कोई दखल नहीं है तो है जादू हकीकत है कि नहीं होगी हमें क्या लगे हमने इसको क्या करना है और जादू की तरफ जितना जाएंगे उतना दिल दिमाग आपका बंद होगा हाँ अल्लाह के वसल्लम ने हमें कुछ ऐसी चीजें बता दी कि अगर पहले से वो पेशबंदी कर लें प्रिकॉशंस ले लें तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा मसलन बावजू रहना अकीदे का पुख्ता रहना अल्लाह पे तवक्कुल बहुत हो और ऐसी झाड़ छूंक फूक में नहीं पड़ना कि जिसके बाद इंसान कई और गलत चीजों में निकल पड़े फिर इसी तरह तहारत का एहतमाम सुबह शाम की दुआएं पांच वक़्त की नमाजें पेट में इसके हलाल का होना नजरों का पाक रखना नाहुन लंबे होंगे तो अंदर शैतीन जाएंगे लंबे बाल खोल के बाहर फिरेंगे तो शैतीन अंदर जाएंगे हुसन का इजहार करना मगरब और ईशा के बिटवीन जानिए बिल्कुल मग़रब का जो स्टार्टिंग टाइम होता है उस वक्त ऐसी को कर देना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है तो आपको मुझे क्या चाहिए जादू से बचने के लिए मुकम्मल ईमान जहां ईमान होगा वहां जादू नहीं आएगा दूसरी चीज तकवा बचिए आपका रब है ना आपने क्यों जादू टूने को पकड़ना है और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरी उमत में भी ये काम शुरू हो जाएगा तीसरी बात है सच्चाइल लीजिए खाली सिल्म आपको ऐसी तमाम चीजों से बचा लेगा और फिर अल्लाह की रजा वाले काम करेंगे इनशा जितना ज्यादा आप इन चीजों में आगे आते जाएंगे अल्लाह तला अपनी रहमत से आपको ऐसे असरात से बचा देगा और इसके अलावा अगर खुदा न खासा किसी को जादू हो गया तो उसका भी इलाज मौजूद है हमारे पास एक सीरीज है दम जरिया इलाज अब्दुल्ला बिन बादल उनको जन्नत में जगह दे उनकी लिखी हुई है किताब पाइल्ड अप है बेसिकली हदीस से वो दुआएं और औरत हैं जिसमें तौर पे जादू टूने का इलाज है आप वो बुक पढ़ लीजिए आपको लिंक में भेज भी देंगे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना सही ई एड्रेस दिया हुआ है हम उनको डेली इनशाला जो भी स्टडी मटीरियल वगैरह वो देते हैं तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं और उसमें यह है कि ऑडियो भी मौजूद है नरोलन ऐप के अंदर नुरुल कुरान ऐप खोल लीजिए सेम स्पेलिंग है नुरुल कुरान के तो ऑडियो ऐप है उसके अंदर भी आपको इसकी ऑडियोज और बाकी चीजें मिलेंगी लेकिन मुख्तसरन ये है कि आप बगैर किसी और चीज में गए हुए नब्सलम के जादू का जो इलाज हुआ था वो मुआवज तयीन ईमान से पड़ी है और अगर किसी को इससे ज्यादा चाहिए इंफॉर्मेशन तो इस पे हमारा अलहमद ला जादू का एक सेमिनार भी हुआ था दो रोज में लंडन में किया था उसकी भी ऑडियोज आप कहीं से ले सकते हैं और बहुत कुछ है और इन्हीं आयतों की आप डिटेल तफसर सुन लीजिए तो वहां भी मिलेगी आगे चलते हैं रिकॉर्ड नंबर तेरह है आयत 104 से 112 टॉपिक है अपनी हस्ती को अल्लाह के सपोर्ट कर दो यानी सबमिट टू योर अल्लाह सुबहना ताला उसके पास अपने आप को करेंगे जितना अल्लाह ताला के आगे झुकेंगे उतना अल्लाह आपको झुकाएगा या ला याजीना मन लाने तुम नब सल्लम को ना, ना कहा करो बल्कि हमारी तरफ देखी और सुनते रहा करो और काफिरों के लिए दर्दनाक है ना तोले किताब के कुफ़ार और न मुशीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाज़िल हो इन से इनके इस हसर से क्या हुआ अल्लाह तला जिसे चाहे अपनी राहमत खसूसियत से अता फरमाए और अल्लाह तला बड़े फजल वाला है जिस को मनसूख कर दे या भुला दें, इस जैस जैसी और लाते हैं क्या तू नहीं जानता अल्लाह हर चीज पर है क्या तुझे इल्म नहीं कि जमीन और आसमान का मुल्क अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो इससे पहले मूसा सलाम से पूछा गया था सुनो ईमान को कुफुर से बदलने वाला सीधी रास्ते भटक जाता है इन किताब के अक्सर लोग बावजूद हक हो जाने के महज हसद और बुगस की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं तुम भी माफ करो और छोड़ो यहाँ तक कि अल्लाह तला अपना हुक्म लाए यकीनन अल्लाह तला हर चीज पर कुदरत रखता है तुम नमाजें कायम रखो और जक़ात देते रहा करो और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसको नोट करिए वमा तो लियन मनियन जो कुछ भलाई जो अच्छा काम जो जारिया का काम तुम अपनी जिंदगी में शुरू कर जाओगे सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे जैसे एयरपोर्ट पे एक तरफ अपना सामान देते हो तो अगली तरफ जाते हो तो तुम्हें बेल्ट पे अपने लगेज मिल जाते हैं हर वो देखिए जो तो लियत की ये साथ अल्लाह के लिए की जाएगी कल आखिरत की बेल्ट पे तुमको मिलेगी क्योंकि बेशक अल्लाह तला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है पूरी कन्विक्शन के साथ नेकी किया करें सिर्फ अल्लाह को दिखाने और अल्लाह को बताने के लिए किया करें फिर फरमाए कहते हैं कि जन्नत में यहूद नसारा के सिवा और कोई ना जाएगा ये सिर्फ इनकी आरजुए हैं यानी फॉल्स होप्स जस्ट लाइक झूठी आरजुएं तमन्नाएं वहमी बातें ख्याली पुलाओ हैं शेख चिली के ख्वाब हैं ये इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील तो पेश करो सुनो जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने जुगा देखी अकबर की तरह और इब्राहिम की तरह पूरे का पूरा सबमिट कर दे सरेंडर हैंड्स डाउन सर नीचे आंखें नीचे सजदे में गिर जाओ लेस मीट की तरह अपने आप को बिल्कुल अल्लाह के इशारों पे डाल दो तो क्या होगा बेशक इसे इस कार पूरा बदला देगा इस पर ना तो कोई खौफ होगा और ना उदासी क्या खूबसूरत आयतें जीने का खूबसूरत अंदाज है साहबा को ये आयतें समझ आ जाती थी, थी हम तो इन आयतों को बढ़कर गुजर जाते ना साहबा नहीं गुजरते थे वो हर हुक्म पे अमल करने के लिए पहले से तैयार थे साबा कुरान साबा कुरान क्यों पढ़ते थे आपको पता ताकि उनको इस पे अमल करने का मौका मिल जाए ताकि उनको पता चल जाए कि कुरान पढ़ने के साथ साथ हम अल्लाह तला की रजा के काम भी कर रहे हैं कि नहीं हम में से कुछ लोग कुरान इस तरह से पढ़ते हैं कि बस एक कुरान है एक बोझ है जो सर से उतारना एक है एक चीज है जिससे अपने आप को पीछे करना तो अल्लाह तला कहते हैं कि ऐसी सारी खुश का इलाज कर दो होता क्या है कि जब भी कभी अल्लाह ताला की कोई बात लोगों के कानों में पड़ती है ना तो लोग उसको किसी ना किसी एंगल से सोचते हैं अच्छा अगर मैंने ये काम किया तो ये होगा मैंने वो किया तो वो होगा अल्लाह कहते नहीं टेंशन फ्री जिंदगी चाहते हो लाहौन वह ला किस चीज का बदला अल्लाह के आगे झुक जाओ क्योंकि जितना अल्लाह के आगे बंदा झुकता जाता है उतना अल्लाह तला उसके लिए उन चीजों को आसान कर देता है तो देखिए रकूत शुरू हुआ था ला तक उलू इसके ऊपर साहब कराम के एक अमल का जिक्र है हदीस में आता है हजरत इबन अब्बास से रिवायत था कि अरब अपने कलाम में लफ्ज तो रीना बोलते थे राइना पता कह जैसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूज में मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ तो आप हमें कहेंगे एक्सक्यूज में जरा दोहरा दीजिए प्लीज़ जरा आहिस्ता बोलिए हाँ ये मुरात जब यहूद ने यह सुना तो वो भी नबसे से यही लफ्ज़ कहने लगे और इन्हें ये अच्छा लगता क्योंकि रायना यहूद के कलाम में एक तोह लफ्ज था वो कहते कि पहले तो हम मोहम्मद को छुप कर गाली देते थे ना पीछे से बुरा कहते थे असला तुम पे मौत आए शाम मौत को कहते हैं अब तो उनको खुला मौका मिल गया अब तो ऐलानिया गाली देंगे क्योंकि इन्हीं का कलाम है इसलिए फिर अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं मोहम्मद रायना और इस पर बनते भी बहुत नेक थे हाँ? क्या करते थे अनसार में एक सहाबी थे साध बिनोबादा उनका नाम था यहूद की सादत को जानते थे वो उनका मकर समझ गए कहने लगे अल्लाह के दुश्मनों तुम पर अल्लाह की लानत इस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है अगर तुम में से किसी से ये कलमा अगर मैंने सुन लिया उसकी गर्दन मार दूंगा ये देखिए साहबा का ईमान नबी की तोहन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कहाँ कोई नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाए कोई नबी के तौर तरीकों का मजाक उड़ाए और उन्होंने कहा क्या तुम खुद ये नहीं बोलते रायना यहूद कहने कि तुम खुद भी तो रायना कहते हो तो उस पर अल्लाह ने कहा था ईमान वालों तुम ये रायना कहना छोड़ दो थोड़ा सा दबा देते थे राए राए कहते चरवाहे को शेफर्ड बकरियां चलाने वाला यानी जरा सा अहमक और कमजोर और जरा सा एक यानी सीधा साधा सा इंसान तस्वर में आता है तो इससे अल्लाह ने हमें क्या बताया पहली बात है कि गैर कौमों का शुहर जो हो उसको तुम छोड़ दो मन तशब हबी कौम में फह मंद हूँ जो किसी कौम की तशबी करेगा अख्तियार उस, उसी में से उठाया जाएगा फिर इससे हमें पता चलता है कि अहले ईमान को दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से बचना चाहिए और साथ बिन उबादा की नबसे वम से मोहब्बत देखिए कि अल्लाह ने उनकी इस खूबी को ही सामने रख दिया फिर इस तरह कलाम में मुश्तब अल्फाज से बचना चाहिए इससे हम सबको भी बचना चाहिए आज बहुत सारे लफ्ज हम उन्ही के देखा देखी बोलने शुरू होते हैं गलत लफ्जें बोलने में मैं बताऊंगी तो बुरा लगेगा लेकिन आप खुद नोट करिएगा अक्सर स्लैंग लैंग्वेज वाले कई ऐसे जीवो गरीब लफ्स बोलते हैं सिर्फ फिन हो गए किसी हीरो ने बोल दिए किसी अदाकार ने कह दिया किसी गुल ने या किसी और ने कह दिया वही चीज़ आम होती है तो अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए फिर दूसरी बात जो इस रुकू से पता चलती है कि शईन कदीर अल्लाह तला हर चीज़ पे कुदरत रखता है फिर नमाज क़ायम करने और ज़क़़त अदा करने की बात है वो लोग जो अल्लाह की रजा चाहते हैं उनको नमाज कायम करनी पड़ेगी अफोदर गुजर से काम लेना पड़ेगा आखरत के लिए नकिया जमा कीजिए वमा तो को, कितनी छोटी सी जिंदगी है हमारी एक एक दिन कीमती है इसको आखरत के लिए नकिया जमा करने में इस्तेमाल कीजिए और एहसान की रविश इख्तियार करना है ये सब काम है अल्लाह की रजा को पाने वाले आगे है नंबर आयत से किताब पढ़ने का हक अदा करना है और अल्लाह हमें इस हक को अदा करने की तोफी कथा फरमाए वकाल यहूद यहूद के कुछ कहने की बातें यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं और नसरानी कहते हैं कि यहूद हक पर नहीं हालांकि ये सब लोग तो पढ़ते हैं इसी तरह इन जैसी बात बेम लोग भी कहते हैं क्यामत के दिन इनके इस अख्तलाफ का फैसला इनके दरम्यान अल्लाह करेगा इस शख्स से बढ़कर और कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के रोके और इनकी बर्बादी की कोशिश करे ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए इनके लिए दुनिया में भी रसवाई है और आखरत में भी बड़ा अजाब है और मशरक और मगरब का मालिक अल्लाह ही है तुम जिधर भी मुँह करोगे उधर ही अल्लाह का चेहरा है अल्लाह कुशादगी और वसत वाला और बड़े इल्म वाला है ये कहते हैं कि अल्लाह तला की औलाद है नहीं बल्कि वो पाक है जमीन और आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत में है और हर एक इसका फर्मा बरदार है वो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है वो जिस काम को चाहे कह देता है कि हो जा वो काम हो जाता है बस वो काम वही हो जाता है इसी तरह बेल्म लोगों ने भी ये कहा था कि खुद अल्लाह हमसे बातें क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती इसी तरह ऐसी ही बातें इनके अगलों ने भी कही थी इनके और उनके दिल यकसा हो गए हमने तो यकीन लाने वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और जहनियों के बारे में आपसे बात परस नहीं होगी आपसे यहूद और ना हरगराजी ना होंगे जब तक कि आप इनके मजहब के ताबे न बन जाए आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना मददगार तीनाता हमने किताब दी वो इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं और जो इसके साथ कुफर करे वो नुकसान वाला है क्या पता चला किताब को हक देना होगा आप देखिए कि इस पूरे हिस्से में हमने एक पढ़ी फाई नमा तुम जिधर भी रुख करोगे तुम्हें अल्लाह का रुख वहां मिलेगा इस पे भी सबक राम का एक वाक है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी से ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने एक लश्कर कहीं भेजा कहते मैं भी उसी में था हमें तारीकी ने घेर लिया निरात हो गई यहाँ तक कि हम किबला भी नहीं पहचानते थे तो हम में से एक गिरोह ने कहा कि किबला शिमाल की तरफ है उसकी तरफ नमाज पढ़ी और खत खींच लिए और हम में से बाज ने कहा नहीं किबला तो जनूब की तरफ है उन्होंने भी उसी तरफ खत खींच जिधर नमाज पढ़ी ना तो निशानी रख ली कि हमने इधर पढ़ी थी तो उधर एक खत खींच दिया दूसरों ने दूसरी तरफ रख दी जब सुबह हुई तो सूरज शुरू हुआ सारे खत भी दिखे अब वो, वो खतूत जो किबले के अलावा सिमत में थे कोई इधर थे सब पता लगने लग गया कहते जब हम सफर से वापस लौटे तो हमने आकर नबसे वम से ये आय ये बात डिस्कस की अम में से तो हर एक ने पता नहीं किधर किधर मुंह करके नमाज अदा कर ली तो उस पर अल्लाह के नबी खामोश रहे और उस मौके पर रियायत नाजिल हुई थी आपको मुझे क्या पता चलता है पूरी कोशिश कीजिए ढूंढने की फिर भी अगर नमाज गलत रुख पे हो गई तो कोई बात नहीं नमाज पढ़ ली वो गुजर गया अगली नमाज का वक्त आ गया अब दोहराने की जरूरत नहीं हाँ नमाज पढ़ रहे थे किसी ने आकर बता दिया किबला उधर था तो नमाज में रुख बदल लीजिए नमाज पढ़ ली किसी ने आके बता दिया कि गलत तरफ पढ़ी थी तो आपका दिल करे तो आप दोहरा लीजिए दैट्स इट हाँ वक्त गुजर गया तो फिर अल्लाह की रहमत से अल्लाह तला आपको उसी को कबूल करेगा असल बात तवज्जो है दूसरी बात देखिए इसमें हक का तिलावती पुराने पाक के हकूक हम अक्सर इस पे बात करते हैं ईसाई की शान में भी वाकी नाबा तलावत तिला इबन अब्बास कहते कि तो उस वालों के बारे में नाजिल हुई जो जाफिर बिन अबी तलब के साथ सरजमीन हबशा से आए ये चालीस लोग थे जो हबशा और शाम से ताल्लुक रखते थे आपने सुना होगा ना कि हजरत अफशा के बाद वापस जब आ गए थे तो वहां से फिर कुछ लोग आए थे जो दीन सीखने आए थे तो अल्लाह तला ने ये मशरक और मग़रब और शुमाल और जनूब के झगड़े खत्म कर दिए असल बात पता कि एक एक किबला इजमाहियत की अलामत है अभी हम सब नमाज पढ़ेंगे तो सब एक रुखे हो जाए यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्म क्या है ड्रेस कोड क्या होता है आप जहां भी कुछ लोगों को एक जैसे हाल उ में देखें तो अच्छा लगता है ना एहराम पानते हैं सब सफेद पानते हैं किबला किबला इतना ही है इकबाल ने कहा था कि है परे सरहदे से अपना मसदूद किबले को कोहले नजर किबला नुमा कहते हैं यानी यह कबला जिसकी तरफ हम मुंह करते हैं ना ये बस एक डायरेक्शन है क्योंकि अल्लाह ने इस तरफ मुंह करने को हुक्म दिया आप देखिए जब आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा करके फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो तो उस वक्त किबला क्या था आदम क्यों अल्लाह का हुक्म था बैतुल्ला की तरफ करो अल्लाह का हुक्म बैतुलम की तरफ करो अल्लाह का तो असल किबला मुसलमान का क्या अल्लाह का हुकम। कितने अफसोस की बात है नमाज में तो पुरकार लेकर कंपस लेकर फुट ले लेकर ले 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 किबले नापते हो उन्नीस से बीस होने पे फतवे जारी कर देते हो आगे इनशा दूसरे पारे के शुरू में पढ़ने वाले हैं लेकिन तुम्हारी नमाजों के किबले तो बड़े टाइट है शादियों का किबला किधर है दिल्ली की, की तरफ तुम्हारी मीशत का किबला न्यूयॉर्क की तरफ है तुम्हें अपनी जिंदगी तो दूसरों के तरीकों पे गुजारनी है और नमाज के मौके पे झगड़े बैसे कर करा के उम्मत को तोड़ देते हो तो इससे क्या पता चला कैसी बेकार पैसों में पढ़कर दीन की रूह नहीं छोड़नी चाहिए फिर तीसरी चीज इस हिस्से में जब हमने पढ़ी आयत वन टवेंटी वन में अल लजीना तीना किताब ये कौन लोग थे जिनको किताब मिली अफकोर्स अहले किताब साहब कराम और मुहकाम पर अमल करने वाले लोगों की बात है याद रखिए कि, कि कुरान में दो तरह की आयतें हैं एक वो जिनका आपकी मेरी डे टू डे लाइफ से ताल्लुक है सीधे सीधे हुक्म अकीम उतका वर्क उमर रकिन ये है सीधे हुक्म कहते हैं हमें इसी पर गौर करना चाहिए कुछ बातें दूसरे जहान की है अल्लाह की हस्ती के बारे में जन्नत और जहन्नम अभी हमें उसके वास्ता नहीं पड़ा, तो उस पर क्या कहना है हम ही मान लिया ये महकमात और मतशाबे हाथ का फर्क है अल्लाह जिन लोगों से राजी होते हैं ना वो मुतशाबे हाथ के पीछे नहीं पड़ते। आगे मुहालान में भी इस बारे में पढ़ेंगे और गलत फहमियों की वजाहत और एतराज का जवाब अल्लाह तला दे रहे हैं कि किताब को बहसों की बजाय अमल के लिए पढ़ो किताब पढ़ने का हक अदा करना पड़ेगा इस पर सच्चे दिल से ईमान लाना पड़ेगा कुरान के पांच हकूक हैं हमारे अपने लोगन, लोगों के साथ लिखा होता है वेबसाइट पे भी अगर आप नरुल कुरान खोल कर देखेंगे ना तो पांच चीजें ईमान लाना इसको सही अदा करना इसको समझना फिर जो समझ आ जाए उस पर अमल करना और जो अमल आ जाए उसको आगे पहुंचाना अल्लाह तला हमें इसकी तोफ़ीकतः फरमाए आगे देखिए रुकू नंबर अल्लाह के घर बनाओ और उनको आबाद भी करो यानी तारीफ हो रही है इसमें लोगों की जो दीन के मराकज बनाते भी हैं फिर उनको आबाद करने की कोशिशों में रहते हैं अल्लाह करे कि आप और मैं उन्ही लोगों में शामिल हो जाए या बनी इसराइल तीसरी दफा ये खिताब है इनको इस एक ही बारे में ए औलाद याक़ूब मैंने जो नीम थे तुम पर इनाम की हैं इन्हें याद करो और मैंने तो तुम्हें तमाम जहान वालों पर फसीला दे रखी थी इस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कोई फायदा ना पहुंचा सकेगा ला ती नफ़ सुन नफ्स इनशैया और न किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा यानी वलायु खजुमिन और ना कोई शिफात नफ़ा देगी और ना कोई उनकी मदद की जाएगी ये ही खराबियां हर दौर में अकीद आखरत में रही जिन्होंने लोगों को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया लेकिन एक स्टूडेंट है उसने नकल का सामान तैयार किया हुआ वो क्यों पढ़े उसकी जगह कोई और जाके दे आएगा पेपर वो क्यों पढ़े एग्जामिनर उसको जवाब लिखा देगा वो क्यों पढ़े जब किसी कौम का अकीद आखरत बिगड़ता है ना तो उसके बाद अमल के पैमाने बदल जाते हैं कल की बनी स्टाइल यानी माजी के मुसलमानों का भी यही हाल था और आज के मुसलमानों का भी हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है अब यहां से, आगे से पहली बार इब्राहिम का तस्करा है इब्राहिम अल्लाह ने इब्राहिम का तस्करा किया तो आजमाइशों के साथ शुरू किया पढ़ते जाए और साथ ही साथ दुआ करें कि अल्लाह हमें हमारी वुस्सत और हमारे ईमान से ज्यादा नाजमाना जब इब्राहिम को इनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सब को पूरा कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा अरज करने लगे और मेरी औलाद को फरमाए मेरा वादा जालिमों से नहीं हमने बेतुल्ला को लोगों के लिए सवाब और अमनो अमान की जगह बनाई तुम मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर कर लो हमने इब्राहिम और इस्माइल इस्माही से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तबाफ करने वालों और एहतिकाफ करने वालों और रकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो देखिए कितनी प्यारी नमत मिल रही है उनको वो लोग जो अल्लाह के चुने हुए लोग थे उनको सफाई का काम मिल रहा है।, है ये ऑनर है जब इब्राहिम ने कहा ऐ परवरदिगार तो इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों फलों की रोजियाँ दे अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा ये पहुंचने की बुरी जगह है यानी इब्राहिम ने मोहब्बत की बात की अल्लाह ने अदल की बात की इब्राहिम और इसमाइल काबा की बुनियादें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे रब्बना रबना तक इन तस्मी ऐ हमारे परवरदिगार तो हमसे ही कबूल फरमा तू ही सुनने वाला और जानने वाला है रब्बना ऐ हमारे रब हमें अपना फरमा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना इताद गुजार रख और हमें अपनी बातें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा तू तो तोबा कबूल फरमाने वाला कर्म करने वाला है वबस फी हिम हमारे रबीनी में से एक रसूल भेद जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े इन्हें किताबों सिखाए और इन्हें पाक करे यकीन तू गलबे वाला और हिकमत वाला है क्या पता चला इब्राहिम काबा के मेमार है और बेटा मिस्त्री है बाप बेटा मिलकर अल्लाह का घर बना रहे हैं पहले तो दुआ कीजिए आज हमें अपनी नस्लों को साथ लेकर अल्लाह के घर बनाने की तोफीक मिलना है। ये जो दीन की छोटी छोटी कोशिशें ये दीन को फैलाने की ये सीखने की ये सिखाने की ये दरसो तदरीस की बातें हम ये कर लें वो कर लें कैसे लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचे ये सब घर बनाना होता है और ये भी याद रखिएगा कि कुरान की आवाज जिस माशरे में उठी थी ना बड़ी नामानुस थी लोगों के लिए ये आवाज बिल्कुल नहीं थी लेकिन कुछ लोग इस आवाज की तसीर को देखकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे थे यहूद से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था यहूद कौन थे पहले से दीनदार किसी भी माशरे में दो तरह के लोग होंगे एक दीन से दूर एक दीन के करीब जब भी हक की आवाज उठती है जो दीन से दूर लोग होते हैं ना वो सबाज की कशिश को महसूस करके इस्लाम के करीब आने लग जाते हैं उनको लगता है ये तो हमारी फितरत की पुकार है ये तो हमारी रूह की पुकार है हमने तो कभी नहीं सोचा था कुरान ऐसा कुरान वैसा जो लोग पहले से दीन में दाखिल हुए होते हैं ना वो परेशान होने लगते हैं उनको लगता है कि हमारी रोजी रोटी बंद अगर वाकई दीनदारी दुकानदारी बन चुकी थी हमारी शोहरत खत्म हमारे पास लोग नहीं आएंगे हमें छोड़ छोड़ कर दूसरों पे चले जाएंगे यहूद की इनसिक्योरिटीज इन ये थी नाम लेते थे यहूद इब्राहिम का यहाँ से जरा सरस स्न समझिए इससे पीछे जितनी आते आई और अब आगे जो आएंगी यानी यहूद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कांक नहीं पा रहे थे उनको अल्लाह के नबी और सिद्दीक अकबर जैसे साथी वो कहते थे जब हम जो थे तो इनकी क्या जरूरत थी और हम जो कर रहे हैं वही काफी है तो वो सल्लम के खिलाफ बातें करते थे इधर की बात है उधर की अब मक्का के जो लोग हैं आज मैं और आप बड़े तपाक से कहते हैं जी मुश्रकी ने मक्का अगर हमें उस दौर में होता और उनके मुंह पे जाके ये जुमला कह देता ना कि ओ मुशर ने मक्का ओ मुश्रक ओ बुद को पूजने वाले ओपर कुछ तो उन्होंने पत्थर उठा के सर पे मारना था हमारे क्यों वो खुद को मुसलमान कहते थे दीन इब्राहिमी से अपना ताल्लुक जोड़ते थे हजरत इब्राहिम को अपना जद्द अमजद समझते थे खाना काबा के साथ उनको ताल्लुक था हाजियों को पानी पिलाते सत्तू घोल के पिलाते काबा की टेक केयर करते हज के लिए आने वालों की खिदमतें करते लेकिन असल पैगाम भूल चुके थे बिल्कुल ऐसे जैसे 2023 के मुसलमान भूल चुके रह रस्म अजान रूहे बिलाली न रही कुरान पढ़ा जाता लेकिन रसमन इस्लाम है मगर इसम नाम है उसका तो ऐसे वक्त में यहूद ने बड़ा पार्ट प्ले किया उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ खूब तदबीरें की सासों के जाल पिछा फैलाए और कंट्रावर्सी शुरू कर दी और क्या कुछ किया अब यहाँ अल्लाह तला हजरत इब्राहिम का तस्करा लाते हैं कि तुम जरा सोचो नामों से जोड़ने नाम जुड़ने से क्या होता है तुम खुद को यहूदी कह लो ईसाई कह लो आज मुसलमान भी कह लो अगर तुम इब्राहिम वाला काम नहीं कर रहे तो तुम नहीं और आपस में दोनों दो लड़ते थे लई सत यहूद लई नसारा ला शहीन और लई सतिल यहूद अभी भी तो सुन चुके हैं आप आयत नंबर वन थर्टीन में तो नतीजा क्या हुआ कि फिर कवारीत की आग बढ़ गई वो अल्लाह का एक घर जो एक अल्लाह के नाम पे कायम हुआ था तीन सौ तेरह बुतों का, बन हर का बुत हर फिर जो जिधर से आया बुत रखा नतीजा क्या वाह हरम आबाद नहीं रहा वम अल्लाह के मन यात्रा की जहाँ फिरकेबी होगी वहां मस्जिद बे आबाद होगी घर वाला घर ना हो तो उस घर में दिल नहीं लगता अल्लाह जिस मस्जिद में ना हो जिसमें अल्लाह की याद ना हो जिसमें तकबीर रब ना हो वहां लोगों का दिल नहीं लगता जहाँ मेंबरों पे खड़े होकर लोगों को फिर कबारीत की बातें की जाए अपनी जमात की सच्चाई और बाकी सारे ग्रोहों की के होने की बात की जाए अपने जन्नती और दूसरों के जहन्नमी होने का तस्करा किया जाए वहां मस्जिदें बात नहीं होती आज हमारी नस्ल मस्जिदों में क्यों नहीं जाती जुमे के खुतबे में भी आखिरी लफ्जों में जाती कहते छोड़े इमाम साहब ने तो बस दूसरों के खिलाफ बातें करनी या चंदा मांगना है। हम नहीं जाते पहली रकत शुरू ही हो जाए तो तब जाएंगे और सलाम फेरते ऐसे भागेंगे जैसे कोई वहां से ऐसा भागे जैसे भागने का हक है क्यों यहूद ने नबियों और बुजुर्गों से वाबस्तगी को हक का मैार बना लिया बस किसी से जुड़ जाओ किसी का नाम ले लो किसी से कोलेबोरेट कर लो बस उनका नाम यूज करो और जॉ करो इस करतूत किए तो नसारा ने कहा अच्छा हमें भी कुछ नया काम करना है उन्होंने कहा अल्लाह ने अपना कलोता बेटा हमारे पास भेजा आप जब यूद भी फखर दिखा रहे नसारा भी दिखा रहे तो मक्का वालों को भी जरा सी तिरंग आई उन्होंने कहा हम क्या करेगा अच्छा अच्छा हम इस मुकद्दस घर के पास बाना खाना कहाबा हमारा वो बैतुल्ला को अपनी वजह इम्तियाज बना रहे जैसे हैं जी खाना कहाबा अरबों का कर, अब हर एक ने अपने हसब हाल हक और सदाकत खुद साख्ता मैन मेड स्टैंडर्ड खुद साख्ता मैार कायम किया और उसकी रोशनी में खुद को हक पे बाकी सब को बातिल पे दिखाता गिरोह गिरोह हो गए फिर जिसको जब मौका मिलता वो दूसरे के इबादत खाना खराब कर कभी कभी उस पे गंदगी था, कभी उसको विरान करता उसको बुरा करता अल्लाह कहते ही, खाना वो होता है जहां डरते हुए जाओ खाशीन कांपते हुए जाओ और बाकी जो अल्लाह वाला होगा वो अल्लाह की किसी जगह में जाकर उनकी आवाज नहीं कर उठा सकता मस्जिदों में वो कभी बैठकर लंबी चौड़ी कहानियां नहीं करता वहां खरीदो फरोख्त नहीं करता तो अल्लाह की अजमत का जो एहसास था उसको पैदा करते हुए अल्लाह ने यहाँ हजरत इब्राहिम और उनके बेटे के इस घर को बनाने की बात पेश की कि तुम झगड़े छोड़ दो चुप कर दो सब सब गलत हो देखिए एक बच्चा जिद करे दूसरा भी बोले तीसरा तो आपको गुस्सा साब कहते अब तुम सारे चुप हो जाओ खामोश होके वहां बैठ जाओ अब मैं बात करूंगी बिल्कुल यहाँ पारे का और पारे की शख्सियत अगर इस साल सुहाब कराम ना होते तो इब्राहिम सलाम का नाम देना था मैंने आपको कैसे अल्लाह ने उन बंदों से अपना काम लिया आज सिर्फ हम बातें करके अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते अल्लाह ने उनको जिस आजमाइश में डाला वो बुरे उतरे वैसे बतला मुब की आजमाइशों में डाल दिया पूरे उतरे हम तो छोटी सी बात पकते भाई मी मेरे ही साथ क्यों आखिर मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा ऐसा नहीं वैसा नहीं ये क्या वो क्या ऐसा क्या अल्लाह खामोश हो जाओ तीन दफा तुम्हें पुकार के अब खामोश को यौमन ला तीन नफ सुन चुप तुम्हारा कैद आखरत बिगड़ा हुआ है अब वब्राहिरा बहु भी कलीमा तुम फातम अपने ऊपर लेकर सोचिए अगर हम पे जरा सी को आजमाइश आए तो हम पूरे उतर जाते हैं अल्लाह ने बनी इसराइल को एक खास काम के लिए चुना था जिस पे आज मुझे आपको चुना है आज बात होगी आगे फिर आगे भी होगी फिर आगे भी होगी पूरे कुरान में होती रहेगी बात ये ओमत-ए-मुस्लिमा अपने आप को पहचानो तो सही तो मैं अल्लाह ने इन चीजों के लिए तो नहीं भेजा था जो तुम कर रहे हो ये सारी सज़ा है हमें उन्होंने मनोसलवा का इंकार किया दूरीबत अलैहि मुजल्ल वल मस्कना पीछे पड़ा है हम तुमने अल्लाह का काम छोड़कर रोजी रोटी को खुदा बनाया जाओ फिर महंगाई का रोना रोते रहो जाओ फिर गर्मी का रोना रहो जाओ फिर तुम पे सैलाब आएंगे तुम पे जल्सले आएंगे जब कोई कौम अपना मकसद तखलीक भूल जाती है तो अल्लाह ताला फिर उनको इसी तरह सिखाता है अम्बि कराम के नाम ले ले के अल्लाह तला बता रहे हैं कि अगर इब्राहिम का एक बेटा अगर इस्माइल था और दूसरा इसहाक था और ये नबी इस्माइल की नस्ल से अगर आ गया तो तुम्हारी नजरों में ये वैलिड ही नहीं रहा तुम इसको जाली समझते हो, नकली समझते हो तुम बातें कर रहे हो तुम्हारी नजर में सिर्फ गिरोह प्रस्ती है फिर प्रस्ती है, तो लिहाजा तुम इस घर की बात सुन लो जिसको इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया था यकीन कीजिए कि आज भी आप उम्र इतना ना करें हर साल आप उम्र पे जाते हैं एक फैमिली जाती है ना अमेरिका से अमेरिका से एक फैमिली इस वक्त मुझे जो रफली स्पीकिंग एस्टिमेशन दे दो पच्चीस से तीस हजार डॉलर लगते होंगे जो मेरा गुमान है हज तो सिर्फ दो लोग भी ना इतने में कर पाए दस दस पंद्रह पंद्रह हजार डॉलर के पैकेजेस लेके हज पे आने वालों की लाइनें लगी हुई है उम्र करने वाले आज भी तैयार है इधर आज मैं आपसे कहूँ ना कि दौरे कुरान पूरा करना है या उमरे पे चले मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप उम्रे का वीजा लेंगी कुरान का के फिर पढ़ लेंगे और मैंने नहीं देखा उम्र करके आके बदलने वालों को उस तेजी से जो एक दौरे कुरान से बदल जाते मैं भी तो उम्र पे जा सकती हूँ मेरे पास टिकट है मैंने आपसे यानी आपके इस दौरे कुरान के लिए कुर्बानी दी कहते है कहते हैं उम्र पे जाना है मैंने कहा जी कब जाना है रमजान के बाद रमजान में क्यों नहीं मैंने कहा मेरा उम्र मेरे साथ है अल्लाह ने अगर मुझे एक नेकी का मौका दी शायद इसी में मेरी बख्शिश हो जाए वहां के तवाफों से और सही और सफा मरवा से तो पता नहीं मेरी कोई नेकी मुझे कुछ मिलना है शायद मेरी बात से हम मेरी किसी बहन को फायदा हो जाए शायद मेरे इस बोलने से किसी के दिल के अंदर कोई एक पत्थर आ जाए किसी की सोच बदल जाए तो याद रखिये आज हम मुसलमान भी रस्मी नकियां करते हैं कर्जों के बोझ में दबे हुए हैं और उम्र कर रहे हैं कबूल हो जाएगा आपका उम्र हराम खाते हैं नजायज तरीके से पैसा जोड़ते हैं और जाकर उम्र करके आते हो मस्जिदों में कलीन डालते हो ये रश्मि के मेरा इब्राहिम ऐसा नहीं था अल्लाह ने जब उनको आजमाया उन्होंने कहा बिस्मिल्ला हर काम उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए किया और चार हजार साल का फर्क है नबी के और इब्राहिम के बीच में हुक्म होते अपने खानदान को ले जाओ खाली कर दो इस जगह को गैर अजीज बिला झिझक अमल किया कोई नहीं पूछा भाई मी बुढ़ापे की औलाद बीवी है बेटा है मैं किधर जाऊंगा मेरी तो अब बिनाई भी जा रही है हमारा तो एक सो एक है। कहीं के बुजुर्ग है तो कहीं घर के बच्चे आंखों से आंसू तो हमारा छुट्टा नहीं है हमसे अल्लाह दीन का काम क्या ले और अल्लाह तला ने उनको उस गैर अजीज और इनमें जमजम के चश्मे दे दिए ये बता दिया कि जो अल्लाह के घरों को बात करने के लिए अपने घर को थोड़ा सा वीरान करता है अल्लाह वहां खैर के चश्मे फूटता है साहबा की भी यही शान थी आज भी जिन लोगों ने अखलास के साथ कुरबानियाँ देकर अपनी जाती जिंदगी पीछे डालकर घर से बेघर हुए उन्हीं की किसी नेकी को अल्लाह कबूल करके आज भी इंसानियत को खैर दे रहा और वाकई फिर अल्लाह ने दुआ कबूल की आज तक उस इलाके में अमन और रिस्क मौजूद है याद रखिए कि मोमिन इस दुनिया में जिस जगह रहे उसको हमेशा एक जुमला याद रहना चाहिए कि मैंने अल्लाह की तरफ पलटना काबा के अंदर जाकर तवाफ करना उसको अल्लाह ताला की जात ये इर्द गिर्द अपनी जिंदगी को घुमाने की बात आती है वो काबा में जाए तो भी उसका दिल अल्लाह से अटका होता है वो घर में भी होता है तब भी उसका दिल अटका रहता है दीन जब किसी चीज का तकाजा करे फिर वो चाहे एक चटियल मैदान में, में बीवी बच्चों को ले जाकर डाल देना हो बंद मोमिन पूरी वफादारी के साथ इसके लिए राजी हो जाता है अल्लाह ऐसे नहीं राजी होता लोगों से और जब तामील कर चुके तो क्या अल्लाह ताला और भी कुछ कहिए, अल्लाह ने कहा अच्छा तुमने अल्लाह की मानी अल्लाह तुम्हारी खातिर चटियल बाद में रिस्क चश्मे जारी कर देगा तो याद रखिए दुनिया की रौनक ख्वाह किसी दी को दीन के नाम पे मिले या दुनिया के नाम पे कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ने उसको चुन लिया हाँ अल्लाह चुनता किस बात पे आजमाइश के लिए दुनिया है आपको मुझे ये वह गुमान बुत और ये जो सारे वहमो गुमान के बुत है ना ये आजमश के लिए और अल्लाह ने इब्राहिम के लिए क्या कहा कि अपने इब्राहिम को इमाम बनाए इमाम लिखिए इमामत ये है कि किसी बंदे को कौमों के दरमियान अल्लाह की नुमाइंदगी के लिए मंतखब कर लिया जाए वो बंदा अल्लाह के नाम की दुहाइयां देने लगे अल्लाह के घर बनाने लग जाए अल्लाह इस तरह की दुआओं को, को दिल से निकलवाता है और कबूल भी करता है आप देख रहे हैं कितनी दुआएं मांग रहे हैं इब्राहिम और इस्माइल अल्लाह ने इस्लाम का एक ऐसा अबी चश्मा फोड़ दिया कि बनी इस्माइल की नस्ल से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी की जो दुआएं वहां हुई अल्लाह ने कबूल कराया हजरत नूह से लेकर वो काम नहीं आज तक हुआ था जो हजरत इब्राहिम की इस दुआ के नतीजे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया और आप देखिए कि इसमें आपने नबी के चार काम देखे हैं अल्लाह के सलम कौन यतलू हो, यतलू न पढ़ते तिलावत करते हैं यानी अल्लाह के सलम के लिए जो दुआ थी रब बना वीम रसूलन अल्लाह घर तो मैंने बना दिया उस्ताद तू भेज दे क्योंकि उस्ताद के बगैर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बेकार है बड़े बड़े इदारे वेरान पड़े हैं क्योंकि नहीं है अच्छा उसताद दरख्त के नीचे लेके बैठ जाए लोग वहां भी आ जाते हैं यही समझ लें ले। तीन से जायद जगह पे इशारत और तीन जगह तो बिल्कुल फर्क से आएगी यतलोलहतिक व्यूअअली मोहमल् किताप बलह व युजी हिम नबलम का सलेबस यही था और आज अलहमद लूरकुर यही सलेबस है रमजान में भी और उसके आगे पीछे भी आज हर अच्छा इधारा जो कुरान सुनत की बात करता है वो इसी मेथडोलॉजी पे आयतों की तिलावत आयत क्या होती है निशानी शिल्प साइन बोर्ड जिसको देख देख कर आप जाते हैं इधर है मिलीर, इस तरफ है अब इतने मील रह गया अब इतने मील रह गया कुरान की हर आयत अल्लाह के करीब लेके आती है आपको किस चीज की निशानी किधर जा रहे हैं ये कौन से महिला है ये अल्लाह के कर्ब के मॉइलिस्ट होना है अल्लाह ने इंसान की फितरत में और बाहर की दुनिया में अपनी मार्फत की कितनी निशानियां रखी इन नफी खल की समावती बलान आयात कुरानी भी हैं तो आयात कौनी भी हैं कौनों मकान कायनात में पहली भी निशानियां तो गोया के नफ्सम का, का काम क्या था कि इंसानियत को कुरान की आयतें भी सिखाए और कायनात को दिख कर अल्लाह तला को पहचाने वही भी उसके सीने पर आई फिर हकमत सिखाए हमत क्या होती है बसीरत गुजरते सारे ही निशानियों के पास से लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह बसीरत दे देता इकबाल कहा करते थे ना कि बदल कर भेस फकीरों का हम तमाशाह देखा है जो मैंने वो को भी दिखला दें हर एक कुरान पढ़ता है लेकिन हर एक को वो चीज नहीं दिखती आप दस लोगों को कह दें ये काम करो जाओ ये ढूंढ के लाओ या इसमें लाओ उसके इस, अशरे अशीर को भी नहीं वो पहुंच पाते जो अल्लाह आपको सुझा देता है ये अल्लाह की तरफ से एक बसीरत होती है जब एक बंद को कुरान की तलीमत में ढालता है ना तो रोशनी कर देता है, तो है। यहमत और बसीरत की आंख है फिर वो चीजों के सही पे पहुंचता है और फिर उसके बाद जो हमने दानी सीखी अल्लाह मारिन आरीन हक का हक का मर न इतबा और फिर ऐसे इंसान जब आते है तो नबी उनकी तरबियत कर तस्किया करता है सब गंदगी सोच कर तस्किया जुबान का तस्किया, अकायद का तस्किया। मैं दूसरे लफ्जों में ये कह सकती हूँ कि नबी की ये कोशिश आखिरी हद तक होती है कैसे इंसान तैयार हो ये जिनके सीने अल्लाह की अकीदत के सिवा हर अकीदत से खाली हों लाई लाई ऐसी रूहें वजूद में आए जो हर नफसियाती पेचीदगी से पाक प्लेन कोई उनके अंदर इम्पिगिटी नहीं है कोई शक नहीं है कोई उनके बीच में हैंकी पेंकी नहीं है पता नहीं क्या करें समझ नहीं आती कौन सच्चा कौन छोटा नहीं ऐसे अफराद हो जो रबानी रिस्क पाए और अल्लाह ने ऐसे लोगों का नाम मुमिन रखा हुआ है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको ऐसे ही लोगों में शामिल कर दे फिर इसके बाद आप समझेंगे कि हकीकत में आप उस चीज को गए और इसमें जो आयत आई ना में मुकाम वजुम इब्राहिमह तो इसमें आप देखिए किस पे भी एक रिवायत है हजरत उमर से कहते हैं कि मैंने तीन चीजों में अपने रब की मुफ्कत की ये नहीं कहते कि रब ने मेरी मुफ्कत की अदब का अंदाज है का इनमें से एक क्या थी कि आयत नाजिल हो गई हजरत उमर साहिब इहम शख्स भी थोड़ी सी बातें सुनाऊंगी मैं आपको इनकी लेकिन इस वक्त बस इतना नोट कीजिए कहते हैं, मैंने अर्ज किया यार मुकाम, इब्राहिम को नमाज की जगह बना लेते इस नाजिल हुई यानी आपको होता है तवाफ तो करते हैं तो दो नफिल मुकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना मसनून है ना वहां पढ़ सके तो इट्स ओके लेकिन अगर मौका हो तो पड़े उसकी तरफ इशारा है तो बहरहाल इब्राहिम आलम का मिसाली किरदार हम देख रहे हैं अल्लाह ने अल्लाब्राहिम आल्लाम की नस्बत से खाना काबा की दो खसूसियातर रखी बैतुल्ला की हरमत लोगों के लिए स्वाब की जगह बनी और लोगों को बार बार बैतुल्ला को देखने का शौक लग गया ये इब्राहिम इस्लाम की दुआ है जिस दिल में भी ईमान होगा उसके दिल में काबा में जाने की मोहब्बत बहुत होगी ये जो मैंने अभी बीच में बात की ना उम्रे इतने महंगे हज इतने महंगे मैंने इसमें नहीं की कि आपको आज उम्र करना चाहिए मैंने ये कहा कि हज और उमरे के साथ अपनी लाइबिलिटीज को भी पूरा करना है उसकी रूह भी लेकर आइए वहां जाकर भी अपनी ही सेल्फिया खिंचवा के लानी है तो वो तो यहां बिके हो कि खिंचवा ले आप आज वहां जाकर आपको देखिए कि देखिएत नहीं मिलती काबा पीछे और आप किबले के बैक करके ना तो अपनी तस्वीर खेच रहे हैं कि काबा भी आ जाए और मैं भी आ जाऊं अल्लाह अकबर कबीरा फिर आप देखिए कि हजरत इब्राहिम के नाते से जो हमने इसमें देखा आजमाइशों में पूरे उतरे तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया अपने घर का केयर टेकर रख लिया आज कोई चुना जाए तो बेटरी स्टैंड पे खड़ा कर दिया जाए नहीं अल्लाह जिनको चुनता है ना उनसे अपने दीन की खिदमत लेता है अपने घरों की सफाई का काम लेता है इन जगहों को साफ सुथरा रखना इन जगहों को पाक रखना मस्जिदों को साफ रखना मदरसों को साफ रखना ये दीन सुनत इब्राहिमी है फिर इसी तरह अल्लाह की ताद और ऐसी दुआएं मांगी कि जिससे मजीद अपने इस्लाम को खूबसूरत कर सके और ऐसे उस्ताद की दुआ की कि जिससे और की बातें हों और सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगियां खुल जाए ज़िंदगियां सवर जाए और इसके बाद फिर आखिर में देखेगा रुकू नंबर सिक्सटीन है सिब ग अल्लाह अल्ला का रंग वो कौन सा होता है आइए देखते हैं आयत नंबर वन थर्टी इब्राहिम दीन इब्राहिमी से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ़ हो हमने तो इसे दुनिया में भी बरगजीदा किया था यानी ही वस चोजन चुना हुआ था और आखिरत में भी वो नेकू में से है जब कभी भी इन्हें इनके रब ने कहा कि फर्मा बरदार हो जा उन्होंने कहा मैंने रबुलमीन की फर्मा बरदारी की जरा टोन को महसूस कर सकते हैं वालो रब असलम खाल असलम तुले रबालमीन थोड़ी सी डिली डली की कौन तोले सोचता हूं बेगम से मशवरा कर लो जरा देखू अगर मैं ये करूंगा तो फिर ए, फैमिली क्या कहती है खानदान क्या कहता है इतना सोचने वाले घर बैठे वन थर्टी वन को अपना स्लोगन बना ले इस रमजान के दौरान नियत करती हूँ कि जब कभी रब मुझे किसी काम के करने का कहेगा मैं कहूंगी असलम तुले रबीमी अल्लाह मैं झुक गई तो मेरे से काम ले, ले। कभी नो ना कहे कभी नहीं की के खैर के किसी काम पे नो ना करे आपकी तो औकात ही नहीं है करवाना तो उसने करा ले अल्लाह मुझसे ये ले ले, बिस्मिल्लाह, मैं तैयार हूँ अल्लाह कहते ठीक है वाबिहा इब्राहिमी व वा याकू अपने साथ नहीं बल्कि बाद वाली नस्लों को भी अपनी औलादों को भी यही पैगाम देकर गए कैसे जब भी कभी ने इनके रब ने कहा कि फर्मा बरदार हो जाओ उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी की है इस इसायद के बारे में भी एक वाक़ आता है जब अब्दुल्ला बिन सलाम ने अपने भतीजे सलमा और महाजिर को इस्लाम की दावत दी और इनसे कहा कि तुम जानते हो कि अल्लाह ने तौरात में फरमाया कि मैं इस्माइल की औलाद में से एक नबी मबूस करने वाला हूँ जिसका नाम अहमद होगा जो इस पर ईमान ले आएगा वो हिदायत याफ्ता होगा और इस पर ईमान जो नहीं लाएगा वो मलून होगा तो सलमा और महाजिर दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस मौके पर आयत नाजिल हुई फिर आगे बबसाबीहा इसकी वसीयत इब्राहिम और याकूब ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया है खबरदार तो मुसलमान ही मरना क्या हम भी अपने बच्चों से ये कह सकते है? वला مسلمون. यह यखरत याकूब के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे पास तुम किसकी इबादत करोगे तो सब ने जवाब दिया कि आपके महबूद की और आपके फौज उजद इब्राहिम और इसमाही और इसकाम के माबूद की जो महबूद एक ही है और हम इसी के फरमा बरदार हैं दिल का मतन खलत ये जो तो गुजर चुकी जो उन्होंने किया वो उनके लिए है और जो तुम करोगे वो तुम्हारे लिए इनके अमल के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे ये कहते हैं कि यहूदी नसारा बन जाओ तो हिदायत पाओगे यानी फिरकावारियत वाली आवाज उठाई उन्होंने तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहिमी वाले हैं और इब्राहिम खालिस अल्लाह के परस्तार और मुशरिक ना थे ए मुसलमानों तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस चीज पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई और जो चीज इब्राहिम और याकूब पर और इनकी औलाद पर उतारी गई और जो कुछ अल्लाह ताला की जानिब से मूसा और ईसा अस्या और दूसरे अम्बियालाम को दिए गए हम इनमें से किसी के दरम्यान फर्क नहीं करते हम अल्लाह के फर्मा हैं

अल्लाह का रंग इख्तियार करो और अल्लाह से अच्छा रंग किसका होगा हम तो इसी की इबादत करने वाले हैं आप कह दीजिए क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो जो हमारा और तुम्हारा रब है हमारे लिए हमारे या है और तुम्हारे लिए तुम्हारे यहाम हम तो इसी के लिए मुखल हैं क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसाक़ और याकूब आलिमसलम और इनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे कह दो क्या तुम जानते हो या अल्लाह ताला अल्लाह के पास शहादत छुपाने वाले से ज्यादा सालिम और कौन है और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं ये उम्मत है जो गुजर चुकी जो उन्होंने किया वो उनके लिए है और जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए तुम इनके अमाल के बारे में सवाल न किए जाओगे क्या पता चला कि मिल्ल इब्राहिमी अल्लाह तला को बहुत अजीज है हर एक उनसे निस्बत के दावे तो करता था लेकिन क्राइटेरियन पूरा नहीं कर पाता था आज बहुत सारे लोगों का दिल करता है आप उनके साथ मिलकर काम करें या वो आपके साथ मिलकर काम करें लेकिन बीच में से खिसक जाते हैं कर नहीं पाते स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल इब्राहिम के साथ ऐसा ही था लोगों ने हजरत इब्राहिम का नाम एक ब्रांड नेम समझ के अपने साथ टिकाया हुआ था हजरत इब्राहिम की जो दावत थी नबसेम की वही दावत थी सेम मैसेज आ गया मगर यहूद हजरत इब्राहिम से तो दा अपना ताल्लुक जोड़ते थे लेकिन नबी की दावत के सबसे बड़े मुखालिफ बन गए देखिए ना बाप और बेटा बाप से आप ताल्लुक जोड़े और बेटे के अब दुश्मन बन जाए लिखिए चंद वजूहत ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन होता है आज भी ऐसे ही है देखिए वजह ये थी कि सल्लम जिस दीन इब्राहिमी की तरफ लोगों को बुलाते थे ना वो इस्लाम था इनवर्टेड कॉमास में लिखिए इस्लाम था क्या इस काल हो काल तुले कामिल हवालगी खुद सुपुर्दगी जो अल्लाह के बिस्मिल्लाह जो अल्लाह दे ठीक है जो अल्लाह ना दे वो भी ठीक जो करने को के वो कर लो और कुरान के मुताबिक यही हजरत इब्राहिम का दीन था और अपनी औलादों को भी इसी की वसीयत करके इसके बरक्स यहूत ने हजरत इब्राहिम की तरफ जो दीन मनसूब कर रखा था वो सिर्फ लफ्जी दीन था किताबी दीन था उसमें हवालगी और खुद से पुर्तगी का कोई सवाल नहीं था वो आजाना जिंदगी गुजारते हुए महज सस्ते तख्यलात के तहत जन्नत की जमानत थी ये कर लो तो जन्नत ही इस दरवाजे से गुजर जाओ तो जन्नत ही ये जब ये वर्द कर लो तो जन्नत ही ये कर लो तो जन्नत ही सस्ती निजात के नुस्खे नादर नादर नुस्खे थे उनके पास अल्लाह के नबी जो दीन ला रहे थे उसमें निजात का दारोमारजी नाम साले हाँ। सरासर अमल था अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जान भी इसके यहूद ने अल्लाह के पसंदीदा चुने हुए लोगों से वस्तगी जिसमें इब्राहिम और उनके औलादे थी और अकीदत को निजात के लिए काफी समझा आज भी लोग कहते हैं बुजुर्गों का पल्लू पकड़ लो किसी सिलसिले को ज्वाइन कर लो किसी के पीछे लग जाओ किसी जिंदा और मुर्दा को पीर बना लो बुजुर्ग बना लो मुर्शद बन जाओ अल्लाह कहते अमल करोगे तो ये बातें काम आएंगी उन्होंने लोगों से ताल्लुक को कामयाबी समझा अल्लाह के नबी ने अमल की बात की अल्लाह के नबी आसमानी हिदायत पेश कर रहे थे और यहूद गिरोही हिदायत फिर वारियत की नस्ली और ये बातें ये था वो तजाद जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के साथ नहीं बनी यहूद की आज भी नहीं बनती फिर के फिर में बट गई कौन और याद रखिए कि माजी के किसी बुजुर्ग से ताल्लुक जोड़ के मुतमाइन हो जाना चूंकि वो नेक थे तो हम भी नेक हैं। चूंकि वो बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे एक जुमला लिखिए निजाते मतवारिस विरासत होता है ना विरसा यहूद में निजाते मतवारिस का अकीदा वजह हो गया विरसे में मिलती है निजात चूंके बाप नेकता तो बेटे को भी बचा लेंगे भाई डॉक्टर बाप है तो बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा बाप लॉयर है तो बेटा लॉयर बनेगा नहीं यहूद ने अपनी सारी उम्मीदें बुजुर्गों के तकदस पे रखी हुई थी खुद कुछ करना नहीं कराना नहीं हिलना नहीं जुलना नहीं बस कहते थे जो उन्होंने किया वो तुम्हारे काम आएगा अल्लाह कहते लग, हा मां का सब वो लख मां का सब तू आप नहीं करने से मेरे किसी की करी कोई नहीं भरेगा और ये जो बात है ना बलह तुम्न तो मुस्लिम अल्लाह ने इसमें एक पैगाम दिया आपको भी मुझे भी बारे के एंड पे जो खुद को अल्लाह के हवाले करेगा आजमाया जाएगा उसके रस्ते में रुकावटें आएंगी उसकी तमन्नाओं की इमारत गिराई जाएगी लेकिन इनकालब्लास्तकाम इस कामत से जमे रहो फिर काबारीत का रद्द कर दो कुरान सुन्नत पे आ जाओ और सिबगत अल्लाह के रंग में खुद को रंग लो अल्लाह के नबी जो दीन देते हैं बस वो ही सच्चा दीन है और ये जो रंग साजी की बात है ना आज हम मुसलमानों का हाल भी रंग बिरंगा है डब खड़बे मुसलमान टाई एंड मुसलमान अफतु में नो लोग हमारी मस्जिद की हाजिरी को देख ले और हमारी शादी में जाने की मुलाकात को देख ले लोग हमारा उम्र और हज करना देखें और हमारी शादियों में जो हम कर रहे होते हैं वो देख ले सारा फर्क खुल के आ जाता है तो अल्लाह ने इस बारे एंड पे आपको मुझे एक पैगाम दिया कि अल्लाह के रंग में खुद को रंगो अल्लाह का रंग बंदगी का रंग गुलामी का रंग सबमिशन का रंग विरासत से नहीं ये दीन मिलेगा कमाना पड़ता है कसबी है ये दीन जितना ज्यादा तुम अल्लाह के आगे झुकते जाओगे और इसमें मिस, उतना अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और मिसाल हमने ले ली हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी होगी अबू बकर ने कोई नस्बत नहीं जोड़ी के अल्लाह नबी आखिर तो मैं आपकी बीवी का बाप हूं और सुसर तो बहुत बड़ा होता है मुकाम आज तक ये जुमला मेरे मुंह से भी सुनते वक्त आपको भी हैरत होगी मुझे भी अजीब लग रहा है अबू बकर सिद्दीक नबसेम के क्या थे बोलिए कोई एक हदीस कोई एक रिवायत कोई एक बात मिलती है कि जिसमें इस नस्बत को पेश किया और बेटी का बाप नहीं वो वो हजरत अबू बकर को जो नबसेम से मोहब्बत थी ना वो इन सारे रिश्तों से ऊपर थी एक दूसरे के साथ जान देने वाला अमल भी कर लेते थे लेकिन इसके बावजूद भी ये कभी भी अपनी जाती चीजों को बीच में नहीं लाने देते थे तो बहरहाल इस पे हम भी आज अल्लाह तला से ये दुआ करके इस पारे को पूरा करते हैं क्या मेरे मालिक तू हमें भी चिखा तो दे मैं अक्सर अपने आप से भी कहती हूँ कि दोआलम से करती है बेगान न दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाए अल्लाह एक बार ये लज्जत तो दे कभी हम भी तो इसको चिखे कभी हमारी भी तो जिंदगियों में वो दिन आए कि इस खालाबू असलिम खिलासलम ती लालमी कभी भी तो सोच के देखिए आप और मैं अपनी जिंदगी में अगर इस चीज को एंजॉय करके उसके बाद आपको किसी और चीज में मजा नहीं आएगा साबा कराम को जो ये नशात मिलता था ये जो मोहब्बत मिलती थी ना कुर्बानियां करके अल्लाह के रस्ते में निकल के ये क्या किसी को वर्ल्ड टूर पे जाकर मिले ये किसी को कोई जाकर अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा कोई फन का, का काम करके मिले और ये सिर्फ उसी को पता है जो इस रस्ते से गुजरता तो अपने लिए ये दुआ करें, अच्छी सी दुआ करिए अपने लिए भी कि अल्लाह हमें भी ये शौक दे ए मालिक हमें भी जरा ये शौक़ दे ए मालिक हम भी तो जरा देखे तो सही कि आखिर इस रस्ते में मिलता क्या अबू बकर क्यों हिजरत का सुनकर रो पड़े खुशी से क्या मिलना था उसमें उनको हम अपनी जाने बचा बचा के वो खुशी नहीं पा पाते जो वह अपनी जाने हाथ में लेके फिरते थे उन्होंने अपनी जाति जिंदगी को तज कर दिया बेटियों के बाप थे दो जवान बेटियां थी अल्लाह के नबी के साथ जा रहे है असमांर में जवान है हजरत आयशा की उम्र देख लीजिए, कोई चीज रोड़े नहीं बनी बूढ़ा बुजुर्ग बाप है अंधा बाप है हमारे पास उजहर और बहाने अल्लाह हमें भी एक दफा तक रूखा कर दे दिल कुछ मिनट आप लोग शेयरिंग करें तो आज के हमारे टारगेट में कुछ हिस्सा दूसरे पारे का भी है तो कोई बात जो अभी सुनते हुए अगर फील हुई है तो वन बाय वन कुछ लव्स बोलिए और ऑनलाइन से लिख खोलिए जरा फेसबुक वाले जूम वाले सब लिखे उसको तो बंद कर जी इधर से आप लोग शेयरिंग करने के लिए कुछ लफ्स बोल दीजिए और ऑनलाइन वाले लिख के यानी जूम रूम वाले लिखेंगे जी क्विकली

है फाज है। और हम सारी उम्र बचाते ही रहते हैं और बचता फिर भी कोई नहीं हम सारी जिंदगी खुद को बचाते जान बचाते वक्त बचाते माल बचाते लेकिन एंड पे बचता कुछ नहीं सब चला जाएगा जी नेक्स्ट प्लीज माशाला जूम पे इतनी तेजी से लिखा जा रहा है कि वैसे लग रहा है जैसे ते ब्लिंक, ब्लिंक हाँ हाँ कर रही है जिस इनशालाफरत आप करीब आई गई है तो आपने क्या सीखा है आप भी शेयर कीजिए वालेकुम असलम दातन सुन के सुन होने वाला बना है आमीन यानी सुन सुन के सुन ना हो जाए अमल करने वाला बनाए और मजल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी जजाकिल्ला खैर जी और कोई ठीक है हम फिर अगला जिले लीजिए आप लीजिए ले, ले मैं तो आपको रिलैक्स कर रही हूँ

चलिए अल्लाह ताला आपसे भी और मुझसे भी बेहतरीन तरीके से राजी हो जाए और वही बात है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जन्नम भी ये ऐसे नहीं मिलेगा इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा इब्राहिम सलाम की जो पर्सनलिटी थी अगर आप उस पर एक नोट देख लीजिए तो इब्राहिम की क्या खूबियाँ थी रदी अल्लाह से ज्यादा जिनको अल्लाह तला की तरफ से सलामती मिले तो इब्राहिम यकसू थे और फोकस्ड थे पूरे कुरान में से हम इनकी खूबियाँ ढूंढेंगे इन श्ला अल्लाह के घर को पाक साफ रखने वाले थे दुनिया में ही चुने गए अल्लाह तला की तमाम आजमाइशों पर पूरे उतरे अपनी औलाद को अल्लाह तला की इत की नसीहत करने वाले थे और आपका तरीका फर्माबरदारी का तरीका था और शिवत अल्लाह के नाते से एक फ्लो चार्ट देख लीजिए इब्राहिम अल्लाह के रंग में रंगे हुए थे एक रोल मॉडल थे फर्मा बरदार थे हमें भी अपने आप से पूछना है मेरा रुख किधर है क्या मैंने मुकम्मल फर्मा बरदारी इख्तियार कर ली है और अल्लाह पर ईमान लाने के तकाजे मैं पूरे कर रही हूँ और अगर अभी इस रस्ते में नए नए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह सुबान तला मौका देगा तो हमें बहुत सारे मौाक़े जिंदगी में ऐसे मिलेंगे कहीं भी अपने आप को डाउन ना होने दें मैं आप सबको आज से बता रही हूँ के दौरे कुरान सुनने के दौरान और खास तौर पे नए लोग डोंट बी हम जब बहुत बड़ी बड़ी बातें और जैसे कराम के किस्से सुन रहे हैं ना तो जब ये सुनने लगते हैं ना तो एकदम हम अपना उनसे तो काबुल करते हैं फिर हम कहते हैं वो तो बड़े नेक थे हम तो नहीं हो सकते जैसे आजकल वो कहते हैं ना फैशन मैगजीन और जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट और इस तरह की मॉडलिंग है ना उनको देख अक्सर औरतें जो है ना वो किसमें चली जाती है डिप्रेशन में हाई ये तो इतनी प्यारी है मैं तो नहीं हो सकती चले आप डिप्रेशन में चली जाऊं आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो उन्होंने किया वजह अभी आप जिंदा कई सहाबा को आपको पता कि बिल्कुल आखिरी उम्र में हिदायत मिली कुछ नब्सलम की जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में इस्लाम में आए तो डोंट बी सैड क्या पता हम आज नियत करे अल्लाह बगैर अमल किए हमें जन्नत दे दे क्या पता हमारी नसीब में अमल थोड़ा और जजा ज़्या ज्यादा ज़्या हो तो इसीलिए हर चीज को सुनने और सुनाने के दौरान आपने ये कहना है कि अल्लाह मुझे भी उनसे कर दे मुझे भी उन लोगों में से कर दे बस इट ठीक है तो हम दूसरा पारा सुन करने के लिए रेडी हैं थके हुए तो नहीं चलिए नखमत हुआ सलास करीम अम्मबातू फाउसिशैतानी सदरी पारा नंबर दो इस पारे को जिस रंग में हम देखेंगे वो है इमामत की हकीकत हमने पिछले पारे में दो लफ्ज सुने जरा सा लिखिए ये एक मेरी तरफ से नोट होगा कहीं से आपको मिलेगा नहीं मैं खुद से बोल के आपको बता रही हूँ एक लफ्स इस्तेमाल हुआ था आदम और इबलीस के किस्से में इन्नी जाय नासी हज़रत इब्राहिम हजरत आदम के किस्से में क्या कहा वाल मलाई का खलीफा लफ्स लिखिए खलीफा लेकिन अभी जो हमने हिस्सा पढ़ा उसमें हजरत इब्राहिम के लिए अल्लाह क्या फरमाया इन्नी जा इमामा बस ये दो टर्म्स लिखिए खलीफा वर्सेस इमाम पहले पारे में अल्लाह ताला ने हमें एक गोल दे दिया कि अ ह्यूमन खिलाफत और बीइंग अ स्पिरिचुअल लीडर इमामत फर्क क्या है ये इस बारे में देखेंगे मैंने कल भी आपको इंट्रो में बता दिया था कि सूरत बकरा को सूरतुल उम्मतैन कहते हैं दो उम्मतों की सूरत पहला पारा जो हम पढ़ चुके उसका समप लीजिए ये बनी स्टाइल से मुतलिक था दस रुकू हमने पढ़े या बनी स्टाइल से बात शुरू होके या बनी स्टाइल पे पूरी हुई तीन दफा अल्लाह ने उनके ऊपर हुज्जत तमाम की कि वो बनी स्टाइलियो इस शख्स को मोहम्मद को नबी मान जाओ बच जाओगे ये वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे आम लोग तो मान ही जाते लेकिन वो दीन की गद्दियों पे बैठे हुए लोग उन्होंने शिगु को शुभार डाल दिए कि ना न न ये नहीं हो सकता वो नहीं उन्होंने नफ़लम के खिलाफ कर दिया लोगों को नतीजा क्या निकला महरूम रहे खुद भी रहे खुद तो डूबे दूसरों को भी डबो दिया अगर मदीना की बस्ती में रहने वाले वो मुठी भर यहूद नफ़लम पर ईमान ले आते तो आज इस पूरी दुनिया पूरे ग्लोब का नक्शा मुख्तलिफ होता और अगर ये कौम आज भी इस्लाम पे आ जाए तो इस्लाम चांद बन के पूरी दुनिया पे चमकेगा ये हम जैसे निकम्मे मुसलमानों से नहीं फैल रहा इनके पास इस्लाम आ जाता जो पाँच पाँच सौ साल की प्लानिंग करते हैं जो ऑर्गेनाइज हैं जिनको अल्लाह ने टैलेंट दिया है स्किल्ड है यहूद बड़े ऑर्गेनाइज लोग हैं बहुत टैलेंटेड है फोकस्ड है मुठ्ठी भर है और पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं अगर आप इस्लाम इनको दे दें फिर देखिए दुनिया में क्या लैंड क्रूजर का नाम है और क्या एप्पल फोन का नाम है और क्या मरसडीज का नाम है और क्या ब्रिटिश बैंक है जिन्होंने पूरी दुनिया को दुनियावी तौर पे इतना कुछ दे दिया वो दीन भी ले जाते लेकिन तसु मैं ना मानू मैं तो नहीं मानती मैं तो उनसे जुनती हूँ मैं तो उनके साथ हूँ मैं तो उनको जानती हूँ मैं उस फिरके से मैं उस जमात से उस इंस्टीट्यूट से हूँ इन चीजों ने आकर उनको नबर की खैर से फायदा लेने से रोक दिया अल्लाह तला ने उनको जो इमामत का हुक्म दिया था दावदी जब बनी स्टाइल इस पर कॉमन पर्सनैलिटी थी मुस्लिम्स की भी जियस की भी अरब मक्का के जो थे मुशरकिन मक्का और नसार सब के जदमजद थे बाप थे सबके ओके okay? अब जो पारा हम शुरू करने लगे समझ ले पूरे का पूरा पारा मुस्लिमा का है अल्लाह ने इमामत का ताज बनी बनील से लेकर बनी इसमाइल को दे दिया सलम का बनी इस्माईल से आना सिंबॉलिकली निशानी के तौर पर दलील थी कि बनी स्ट्राइल फेल हो चुके इनको हमने मिसाल दे रही हूं वोट देकर चुना था पांच साल का अरसा भी पूरा कर लिया कुछ भी नहीं किया आप उठा दो इनको निकाल दो अदम एतमाद का वोट देकर इनको उठा दो और अब इस वक्त इमामत उम्मत मुस्लिमा को मिलने लगी है, पूरे बारे में उमत मुस्लिम क्या है क्या करेगी ये सब है यानी ये बड़ा प्रोफाउंड किस्म का पार्ट है सूर्य बकरा का जिसमें आप किस्म एक किस्म का पूरे इस्लाम थ्रू करेंगे ठीक है हर सौ रुपया आयते बिल पे जब आएंगे वन तो उसमें आपको मिलेगा इसमें आपने जो चीजें नोट करनी है उसके अलावा इकबाल की एक पोइम है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनशाला बीच बीच में आपको ये बताती भी रहूंगी कि इससे क्या मुराद है कहते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा कि इमामत क्या होती है तो मैं दुआ करता हूं हूँ कि जिस तरह अल्लाह ने मेरे दिल पे राज खोले है ना अल्लाह तुम्हारे भी दिल पर राहिर मौजूद से बेजार करे ये किया था अल्लाह के नबी ने और साहबा जैसी उम्मत तैयार हुई थी यानी इमाम वो होता है लीडर वो होता है मेंटोर वो होता है जो सबसे बेनियाज करवा दे आपको और अल्लाह का न्याजमन करते सिर्फ अल्लाह से मांगना सिर्फ अल्लाह पे नजरें रखनी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह इस बारे की शख्सियत है उनके दौर में कहत पड़ गया बहुत कोशिश की लेकिन खुश साली खत्म हुई दिल में ख्याल आया कि सात नॉन मुस्लिम मुल्क है उससे मदद मांग लेते हैं हत लिखा कि हमें मदद की जरूरत है गैर मुस्लिम तो चाहते ही है ये अल्लाह से नहीं मांगे हमसे मांगे ताकि ये अल्लाह के आगे ना झुके हमारे आगे झुके हमारी शराइत माने उन्होंने बड़ा सा काफिला भेज दिया कहते हैं कि उस काफिले का एक ऊंट उनके मुल्क में और आखिरी ऊंट मदीना पहुंच गया इतना बड़ा काफिला था फिर भी बुरी नहीं पड़ी चंद दिन के बाद सब खत्म एक बदरी साहबी जो सोकतक हयात थे उनके ख्वाब में सल्लम आए कहा उमर को क्या हो गया आज उमर की भी कहानी आप सुने थोड़ी सी उमर को क्या हो गया उन्होंने आकर अगले दिन ख्वाब न... हजरत उमर को सुना दिया हजरत उमर को फिक्र लग गई अपने ईमान की फिक्र लग गई मजलिस शुरा बुला ली सब शहर के उलमा और फुकहा और मुफ्ती कहा ढूंढो मुझसे गलती क्या हुई है जब गौर किया तो उन्होंने कहा कि उमर आपने सलातुल तस्खा नहीं पढ़ी अल्लाह से मदद नहीं मांगी और एक गैर मुस्लिम हुक्मरान से मदद मांग ली कहा तो हो गया चलो कल सब खुले मैदानों में, में जाकर सलास्तका पढ़ते हैं और फिर वही हुआ अभी बारिश नमाज पढ़ के उठे भी नहीं एक अबर आसमान पे आया फिर जलथल हुई इतनी बारिश हुई कि दो चार दिनों में मदीने का कहत खत्म हो गया ये है, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरों मौजूद से बेजार करे ये है खुदी का वो मुकाम कि पे बंदा आ जाए तो अल्लाह उसको शर्मिंदा नहीं करता ये वो है मुकाम जिस पे आने वाले को अल्लाह सच्चा कर देता चाहे वो झूठ ही कह दे जिसकी कसम भी अल्लाह पूरी कर देता जिसके मुंह से निकली बात को अल्लाह कहता है ये मेरा बंदा मैंने इसकी इज्जत रखनी है यूनस की तरह सलाम अल्लाह ने अजाब नहीं था लाना लाके दिखा दिया कि मेरा यूनस ना झूठा पड़ जाए कुछ लोग अल्लाह के नाम पे कसम खा ले अल्लाह उनकी कसम परी करता है अल्लाह उनको झूठा नहीं करता और ये मुका है ये है वो मुकाम जिस पे अगर आज हम मुसलमान दो बिलियन मुसलमान सारे नहीं भी ना पक्सरियत तो अगर इनमें इस इमाम पे आ जाए इस मुकाम पे आ जाए मुसलमान आज भी वर्ल्ड लीडर आज भी मत मुस्लिम सारी दुनिया पे राज करें मौत के आईने में तुझको दिखा कर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करें आप मौत को बुरा कहते मोमिन को मौत एक आईना दिखता है जिसके पीछे से आप अपने दोस्त यानी अल्लाह से मुलाकात होगी ये हम मुसलमान मरने से डरते हैं साहबा तो आंखों में आंके डालते थे मौत की उनके खिलाफ दुश्मन कहा करते थे इनको कैसे डराएं ये तो मौत से डरते ही नहीं ये तो और उछलते हुए कुत्ते मैदान जंग में जाते हैं कि हम दोस्त को मिलने जा रहे हैं यानी जिसको अल्लाह से प्यार होता है उसकी जिंदगी दुशवार है क्यों कब खत्म होगी और मैं जाऊं अपने दोस्त को मिलो दे के जिया तेरा लहू गरमा दे फकर की शान चढ़ा कर तुझे तलवार कर दे अल्लाह हमें ऐसे लीडर दे जो हमें हमारे एहसास जिया बताएं हो और हैं तलवार के ऊपर जहर चढ़ाते थे तलवार के बार से बच भी गया ना तो उस जहर का कुछ असर उसके अंदर चला जाए कहते हैं कि अच्छा लीडर अपनी कौम को ऐश कोश नहीं बनाता तो उसको फक्र की सान पे चढ़ाता फित फितना मिल्ल बैजा है इमामत उसकी मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे ऐसा लीडर उम्मत मुसलम मुसलमान के लिए एक फितना है जो मुसलमानों को बादशाहों के दरबारों पे खड़ा करता है आज क्या अच्छा हो रहा है एड नहीं मिल रही फला 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 नाम में क्या लू यहाँ बैठ कर मदद लेने के लिए रहते हो एक जगह एक सिस्टर थी तो वो किसी काम से बैंक में गई तो वहां एक बंदा मिठाई बांट रहा था छोटे छोटे डब्बों में जो आ रहा है उसको दे रहा है जो आ रहा है उसको दे रहा है जो आ रहा है दे रहा है कहने लगी कि मैंने वहां खड़े किसी से पूछा कि इनको क्या हुआ भाई देखो ना बेटा हुआ है बच्चा हुआ है बच्चे की शादी है कुछ मेरा है। कहती है, इसका बैंक में से लोन पास हो गया तो इसने नियत की है कि मैं इतने दिन यहाँ आने वाले हर एक को मिठाई बांटूंगा ला देना मांगते हो गुलाम हो बेकारी हो अल्लाह की माँ सेवा से मांगते हो कर्जों पे जीना चाहते हो तो तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होगा फिर अभी जब तक हम अल्लाह के न्याजमंद नहीं होंगे सब की मदद के कासे फेंक दीजिए उनके आगे हाथ ऊपर कर ले में किसी से एक रुपया नहीं चाहिए देखिए आपके मुल्क का नसीब कहाँ जागता है आज ऐसे और ऐसे थे हजरत उमर अजमत साहबा पे अगर जाए तो आज साहबा में से हजरत उमर फारूक हमारे इस बारे की शख्सियत है हजरत उमर की जितनी भी खूबियां बयान करो ना उसमें से अगर एक खूबी जो हदीस गवाह है जिसकी सबसे मशहूर हदीस हर हदीस की किताब में अमूमन पहली हदीस इन सुनी भी है सबको आती होगी आप कहते वाहिद है सिर्फ हजरत उमर इसके रावी है हदीस भी आपके लिए लिख दी बुखारी की रिवायत है डबल सिक्स एट नाइन अनुमलो यकुल्लाकुल इन नमलामालबिनियत आमाल का दारोमदार नियतों पे है वह इन नमलिमरी मानव हर आदमी के लिए वही है जिसकी उसने नियत की फमन कानत हिजरत हो इलाल्लाहि व रसूलिही फहिजरत हो इलाल्लाहि व रसूलिही बस जिसकी हिजरत होगी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तो उसकी हिजरत है अल्लाह और उसके रसूल के लिए वमन का नत हिजरत हु दुनिया युसीबुहा और जिसकी हिजरत दुनिया पाने के लिए होगी तो दुनिया तो उसको मिलने वाली है आव, या या किसी औरत से निकाह करने के लिए वह हिजरत हुई तो उसकी हिजरत उसी लिए होगी यानी जिस तरह का कोई काम करोगे जिस नियत से करोगे उसी से मिलेगा हजरत उमर रजील्ला उन लोगों में से थे जिन के जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया सब लोगों से बेहतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर और उनके बाद उमर हैं ये इब्ने माजा की रिवायत है वन ओ सिक्स और इब्न माजा ही की वन ओ फोर में है अल्लाह के नबी ने फरमाया जिससे अल्लाह पहले मुसाफहा करेगा यानी क्यामत के दिन वो उमर है और पहले दिन पर सलाम करेगा वो उमर है और पहले दिन का हाथ पकड़कर कर दाखिल करेगा वो वही है इतनी शान है हजरत उमर जन्नत के सरदार हैं कैसे इब्न माजाही की रिवायत नाइनटी फाइव और तिरमजी थ्री डबल सिक्स फिर सिक्स और थ्री डबल सिक्स फाइव अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर और उमर दोनों जन्नत के उधेड़ उमर लोगों के सरदार हैं यानी बड़े लोग हाँ वो अगले हों या पिछले अंबिया और मुर्सलिन के सिवा और ये जब तक जिंदा रहें, रहे अली इनको इसकी खबर ना देना यानी ये खसाइश थे इन लोगों के और इसी तरह से जन्नत की बिशारत मिलती है बड़ी तवील रिवायत है बस इतना सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी के, के सहाबी को भी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली थी बुखारी की रिवायत थ्री सिक्स नाइन थ्री जाकर खुद भी पढ़ लीजिए इसका खुलासा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी कि पहले अबू बकर और इसके लिए दरवाज़ा खुलेगा फिर उसके बाद हजरत उमर के लिए फिर किसी एक तीसरे के लिए और मसायब और आजमाइशों के बाद जो दुनिया में इनको मिलेंगी हजरत ऊस्मान की तरफ इशारा था फरमाया कि इसके बाद फिर इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा दीन में कोशिश करने वाले सही शख्स थे हजरत उमर इतने उमर इनके बेटे थे किसी ने कहा कि अपने बाप के हालात तो बताओ यानी आपके अब्बा कैसे थे कहते मैंने इनको बता दिया फिर इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी के बाद मैंने किसी शख्स को दीन में इतनी ज्यादा कोशिश करने वाला और इतना ज्यादा सही नहीं देखा और ये सारी खूबियां हजरत उमर पर खत्म हो गई बुखारी थ्री सिक्स एट नाइन कुछ करके इनको मिला इट्स नॉट बाय चांस इतफ़ाक के साथ ये रदी अल्लाहन को नहीं बन गए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में फरिश्ते उमर से कलाम करते अब रावी हैं आपने हमें तुम में से पहली उम्म, उम्मतों में मुहदस होते थे और अगर मेरी उम्मत में ऐसा कोई शख्स है तो वो उमर है साहबा ने पूछा कि मुहदत से क्या मुराद कौन फरमाया तुमसे पहले बनी इसराइल की उम्मतों में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि नबी नहीं होते थे वो इसके बावजूद फरिश्ते उनसे कलाम करते थे और अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स हो सकता है तो वो उम्र है तो मैंने ना हदीस बात होता है ना तो उसी से ये लफ्ज हजरत उम्र का महल नबी ने जन्नत में देखा कहते माह एक औरत थी मैंने पूछा ये महल किसका है? लोगों ने कहा कि उमर का महल है मेरे दिल में आया कि मैं अंदर देखूं भला उमर को क्या मिला सारी जिंदगी की नेकियों के बाद फिर मुझे उमर की गैरत याद आ गई मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ अल्लाह के नबी ने जब ये बात हजरत उमर को सुनाई तो हजरत उमर रो पड़े कि अल्लाह के नबी क्या मैं आपसे गैरत करूंगा ये बुखारी थ्री सिक्स सेवन नाइन मुस्लिम सिक्स वन सेवन नाइन और सिक्स वन नाइन नाइन यानी हजरत उमर का महल भी दुनिया में नबी वसल्लम को दिखा दिया गया था और इसी तरह हजरत बिलाल के बारे में भी आता है कि आपने कहा कि तुम जन्नत में मेरे से आगे चल पड़े थे और उसकी भी बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है और उनके साथ कहा गया फिर इसी तरह बुलंद दर्जों वाले लोगों में हजरत उमर और अबू बकर है क्या खूब रहे हदीस का लफ्ज पता क्या है वान अमा वान अमा मैं खुद भी ये पढ़ते हुए सोच रही हूँ कि खत्म हो गई ना देखिए सिक्सटी थ्री की एज थी अबू बकर की उम्र भी इससे इसी के करीब की उम्र थी और आज देखिए नबी सल्लम को गुजरे हुए कितने साल हो गए फोरटीन फोर्टीन हंड्रेड बोलिए चौदह सो ट्वेंटी थ्री पॉर्टिस में तकरीबन तो साढ़े चौदह सौ साल तो अभी तक हो गए और पता नहीं अभी आगे कितना है अल्लाह ने इनके जो दर्जे रखे हुए हैं जो इनको जन्नतों में वहां मुकाम मिल रहा है ये आज भी है तो आपके मेरे लिए मोटिवेशन क्या है थोड़ी सी जिंदगी में कुछ खर्चा आज से आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करें आइडियलाइज कीजिए अबू बकर को अपने बेटों के नाम भी अबू बकर उम्र रखी साथ उनको वैसा बनाए खुद भी बने हम सारा जोर अपने बच्चों पर लगाते हैं नहीं हमने खुद भी कोशिश करनी है और हजरत उम्र के बारे में आता है कि किसने तदबीर से काम करते थे कुछ लोग बड़े सेंसफुल होते हैं इशारा समझ जाते हैं मजबूत कुत के साथ ये काम करते थे अल्लाह ने ख्वाब में एक दफा दिखाया था कि पानी डोल से पानी निकाल रहे हैं यानी कुएं में से और हजरत उमर थे वो यानी हजरत उमर बड़ी समझ बूझ वाले थे और इसी तरह आपने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि मेरे बाद इब्तदा करो तो इनकी करना और इशारा अबू बकर और उमर की तरफ था ये भी तिरमजी की रिवायत है थ्री डबल सिक्स फोर अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो और इन लोगों जैसे काम करने के हमें तौफीक दे और खास तौर पर उमर का नाम आज क्यों लिया एक तो तरतीब से ही उनकी बनती है लेकिन मैंने इस बारे के मौजू के साथ इमामत के साथ हजरत उमर का दौर दस साल का था उमत मुस्लिम की खुशहाली का दौर था इस वक्त जितने भी साउंड सिस्टम्स बने हुए हैं दुनिया में हजरत उमर उसके बानी थे और हजरत उमर ने जो अपना फलाही का कांसेप्ट दिया था आज का ब्रिटिश बरतानिया यूके यूरोप लंदन कह लें और भी कह लें कुछ सब उस पर बेस्ड है उनकी अपनी किताबों में लिखा है कि हमने ये सारा जो एक सोशल वेलफेयर का स्टेट का जो हमने नक्शा लिया ना ये हजरत उमर से लिया इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने दुनिया को अल्लाह की नेमतें दी थी जिसके बाद फिर क्या कुछ हुआ ये सब कुछ हम इनशाला इनके बारे में पढ़ते रहेंगे हजरत उमर की शहादत जब हुई तो हजरत अली ने उनके लिए राहमत की दुआ की इबन अब्बास कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब को जब तख्त पे रखा गया तो लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो गए और इनके लिए दुआ की और इनकी तारीफ करने लगे और इनका जनाजा उठाने से पहले इनकी नमाज जनाजा पढ़ रहे थे मैं भी इन्हीं लोगों में था इबन अब्बास फरमाते कि मैं नहीं घबराया सिवाय एक आदमी से के जिसने मेरे पीछे से आकर मेरा कंधा पकड़ा मैंने इसकी तरफ देखा तो वो अली थे लदी अल्लाहन तो हजरत अली ने हजरत उमर के लिए रहम की दुआ फरमाई और फरमाया उमर आपने अपने पीछे कोई ऐसा आदमी नहीं छोड़ा जिसके अमाल ऐसे हों कि नामाल पर अल्लाह ताला से मुलाकात करना पसंद हो आपसे ज्यादा और अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको अपने दोनों साथियों का साथ फरमाएगा इसकी वजह यह है कि मैं ज्यादातर रसूलुल्लाह से सुना करता था क्या फरमाते थे कि मैं आया अबू बकर और उमर आए मैं अंदर दाखिल हुआ और अबू बकर और उमर अंदर दाखिल हुए मैं निकला और अबू बकर और उमर भी निकले मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको इन दोनों के साथ यानी अबू बकर और वसल्लम के साथ करते ये बुखारी की रिवायत है थ्री सिक्स एट फाइव और मुस्लिम सिक्स वन एट सेवन और जब बकर और उमर रजील अन्हुमा से मोहब्बत नहीं करता नबसेम से मोहब्बत नहीं करता जितमजी की रिवाय थ्री सिक्स है तो बहरहाल बोलिए रदी अल्लाह अल्लाह इनसे राजी हुआ आइये जरा हम इस बारे को अब देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या आज की दुआ भी हजरत उमर ही की दुआ में से एक दुआ है एक दुआ मांगा करते थे और हदीस हमें मिलती है मुसन्फ इबी शेबा से फाइव नाइन

मुझे कुछ, मुझे कुत फरमा जयीफ का लफ्ज उर्दू में हम बोलते हैं अल्लाह इन्नी दईफ उन फकबिनी व इन्नी शदीद उन मेरे में सख्ती है पल्लई जी नहीं फिर मुझे नरम कर दे व इन्नी बखील उन मुझ में बखीली है बस सखी नहीं मुझे सखी बना दे तो ये दुआ अल्लाह मेरी मेरे हक में और आपके हक में भी कबूल करे आइए शुरू करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर वन फोर्टी टू से और पूरे पारे में सूरत बकरा की चलेगी टू फिफ्टी टू आयत तक नजीन आप पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा इसका शुरू का हिस्सा रेडी है तो आ आदें जल्दी से अगर दूर है तो फिर दें जी आइए पारे के शुरू की जल्दी से तिलावत कर ले

جزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء ومن الناس ما والله ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم दूसरे पारे का पहला रकूह है आयत 142 से 147 और टॉपिक है शहादत नादान लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे इससे ने किस चीज ने हटा दिया आप कह दीजिए कि मशत और मग़रब का मालिक तो अल्लाह ही है वह जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत कर दे हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल वसल्लम तुम पर गवाह हो जाए जिस किबले पर तुम पहले से थे इसे हमने सिर्फ इसलिए मुक़रर किया था कि हम ये जान लें कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है गो ये काम मुश्किल है मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी यानी इन पर कोई मुश्किल नहीं अल्लाह तुम्हारी ईमान ज़ाया नहीं करेगा अल्लाह तला लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी करने वाला हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं अब हम आपको इस किबले की तरफ मुतवजह करेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर ले और आप जहां कहीं हो अपना मुंह इसी तरफ फेरा करें अहले किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है और अल्लाह तले से ग नहीं जो ये करते हैं और आप अगर चहले किताब को तमाम दलीलें दे दें लेकिन वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना आप इनके किबले को मानने वाले हैं और ना ये आपस में एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं और अगर आप बावजूद देखे आपके पास इलम आ चुका है फिर भी इनकी ख्वाहिशों के पीछे लग जाएं, तो बिल यकीन आप भी िमों में से हो जाएंगे जिन्हें हमने किताब दी है वो तो इसे ऐसा पहचानते हैं जैसे को अपने बच्चों को पहचानें इनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती है आपके रब की तरफ से ये सरासर हक है खबरदार आप शक करने वालों में ना हो जाना तो ये था पहला रकू किबले की तब्दीली की कुछ बातें हो रही हैं थोड़ा सा नोट कीजिए गो के आप पहले से भी जानते होंगे नबी सल्लम मक्का में रहते हुए बेतुल्ला की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते थे और आपकी आदत थी कि जब तक किसी मामले में हुक्म आ ना जाए पिछले अंबिया की शरीयत पे अमल करते। किबला इसका ताल्लुक इबादत की हकीकत से नहीं है उसके मज़ाहिर से है यानी किबला कहीं भी किसी भी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ली जाए इससे इबादत में कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्रिचुअल है किबले का असल मकसद क्या होता है मनजम होना तंजीम सब एक तरफ हो जाए और हर सिमत अल्लाह की सिमत है जो सिमत अल्लाह अपने बंदों के लिए मुकर कर दे वो ही किबला होगी उसी की तरफ मुकरना होगा कल तक आदम थे हो सकता है किसी दौर में हजरत यूसुफ को भी सजदा करवाया गया हो ताज़ीमी सजदे के तौर पे लेकिन सल्लम से पहले के जो यहूद के अम्बिया थे और उलमा थे वो किबला बैतुलमकदस को बनाते थे मक्का में रहकर आपने क्या किया जब आप मुंह करते हैं ना किबला की तरफ तो सामने मदीना भी आ जाता है दोनों किबले हो जाते थे इस तक जैसे मैं अगर इधर मुंह करके नमाज पढ़ूं तो ये भी कमरा मेरे सामने है और वो पीछे वाला रूम भी मेरे सामने है लेकिन अगर बीच में खड़े होकर कोई नमाज पढ़े तो जाहिर है कि वो सामने तो मुंह है लेकिन ये पीछे उसकी बैक है तो मक्का में तो कोई इशू ना बना लेकिन मदीना में आने के बाद एक इशू बन गया उस बात पे जो प्रोपेगंडा होना था अल्लाह ने उसके लिए सकुल उस में ये सारी बातें पेश कर दी सन दो हिजरी थी किबले की तब्दीली का ऐलान हुआ अब लोगों के जहन बनाने बड़े मुश्किल है लिखिए सबसे मुश्किल चीज तब्दीली है लोग बदलना नहीं चाहते किबले चाहे शादियों के हों मंगनियों के हों खत्म के हों मैय की रसूमात के हों लोग नहीं बदलना चाहते वो कहते हैं हम वही करेंगे जो दूसरे करते थे यहूद ने इस मौके पे बहुत कुछ कहा बहाना मिल गया उनको किसी ने कहा जी सारे नबी इस तरफ मुँह करते थे तो अल्लाह के नबी ने मुखालफत की, की हाँ जी यहाँ तो सब कुछ हमारी जिद में हो रहा है बस और कोई बात नहीं है कोई कहता ये कैसे रसूल है ये तो खुद ही कंफ्यूज है हैरान है, है बस कभी इधर कहते हैं कभी उधर मुँह करने को कहते हैं और कोई कहता अच्छा देखो ना अगर काबा किबला था ये नहीं था तो जो लोग मकदस की तरफ मुंह करते हुए नमाजें पढ़ के चले गए फिर उनकी नमाजों का क्या हुआ यदि जितने मुँह उतनी बातें अल्लाह ने इस पूरे रकू में क्या बताया जाहरी चीजों में अटकने वाले इबादत की रूह से दूर हो जाते हैं जो हकीकत में अल्लाह को पूछ रहे हैं उनके लिए तो अल्लाह का हुक्म बहुत है जो जब जिधर कह देगा और वाकई रवायात में आता है कि हिजरत के तकरीबन सत्रह महीने के बाद किबले की तब्दीली का हुक्म आया अल्लाह के नबी अपने साथियों की एक जमात के साथ मदीना में नमाज अदा कर रहे थे हुक्म मालूम होते ही साहबा ने एन हालत नमाज में अपना रुख बैतुलमकद से काबतुल्लाह की तरफ किया वन एटी की डिग्री जिस तरफ औरतें थी वहां मर्द आ गए जिधर मर्द उधर औरतें आ गई और किबले की तब्दीली की अलामत थी क्या इमामत बदल गई बनी इसराइल को इमामत से माज़ूल करके उम्मत मोहम्मदिया को उसकी जगह लगा दी, जैसे मार्शल लॉ लगता है ना एक उठता है तो दूसरा फौज आ जाती है या एक उठाकर दूसरे को रखते हैं और साथ ही क्यामत तक के लिए बैतुल्ला को बैतुलमकद की जगह अल्लाह ने एक किबला चूज कर लिया और साथ ही वो कजाली हैं क्या अब बातेंत मुस्लिम तुम सीधे हो जाओ कल तक तो तुम एक जो एक थी उसपे बड़ी तनकीद करते थे इनको हुकूमत नहीं करनी आती ये कर दे हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे अब तुम आगे हो करो और वो दिन और आज का दिन उम्मत मुसलिमा को इमामत का मनसब अल्लाह ने दिया हुआ तुम्हे दोनों के बीच में और वसीला बने मतुमसा मॉडरेट नेशन अल्लाह का पैगाम उसके बंदों को बचाने के बीच में जो चेन है ना वो मत तो हो तुम गोल्डन चेन हो बिटवीन क्यामत तक आने वाले लोग और अल्लाह ताला कितना बड़ा काम दिया और किबले की तब्दीली हुई थी नबी के एक इशारे अबरूप है कफिस समा ये आयत इतनी रोमांटिक आयत है कहते हैं कि नबी को लब भी नहीं हिलाने पड़े वो जिनकी निगाहों से बदल जाती है तकदीरें अल्लाह ने अपने नबी की खुशी के लिए किबला तब्दील कर दिया आज हम बोल बोल के थक जाते हैं खप जाते हैं परेशान होते और करते हैं लोग नहीं बदलते अल्लाह अपने नबी की इशारे से किबले बदल देता दुआ किया कर अल्लाह तूने नबी के इशारे से उनके दिल की ख्वाहिश से किबला बदल दिया हमारी भी ख्वाहिशों पर हमारे घर वालों के किबले बदल जाए हमारी दोस्तों के बदल जाए हमारे बच्चे दीन पे आ जाए हम खुद आ जाए हमारा अपना नफ्स नहीं भी आ रहा तो अल्लाह तला ने इस पूरे वाक्य में किबले की तब्दीली के मुख्तफ सिम्बल दे दिए खाना कबा में हो तो क्या करो मक्का में हो तो क्या करो और पूरी दुनिया में क्या हो लेकिन आपके मेरे लिए अमल इसमें क्या है कि हमें अपने इस मुकाम को समझना है क्या वाकई हम इमामत के इस मनसब को महसूस करते हैं अगर यह आयत हमें समझ आ रही है ना, तो हम पाओ भी जमीन में ना रखें तो आप क्या कह सकते हैं किबले की तब्दीली पर सर झुकाने वाले बन जाओ अल्लाह का हुक्म है तो मान जाओ यानी तहवील किबला एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था मनसूख और नासिख में से पहला हुक्म था इसलिए इस पर बहुत रिएक्शन होना था अल्लाह ने किबले को इस्लामी मरकज बना दिया और मशरक मगरब का फायज अल्लाह मालिक तो लिहाजा मुस्लिमा मुस्लिम हजब इख्तलाफ नहीं हजब इकतदार है और वी आर बी वॉचड अल्लाह में दिन रात देख रहा है कि तुम करते क्या क्योंकि आलिम गईबी वश्हा था या खाय सुदूर आज अगर उम्म मुस्लिमा अपना काम कर ले जो क्या है वजाल ना को वसता यहां से जरा से साहब कराम को भी सामने लाइए अल्लाह नबी के इशारे पे किबला बदलता और साहबा नबी के इशारों पे अमल बदल देते थे आप प्रैक्टिकली देखिये कराची की कोई खूबसूरत सी मस्जिद इमेजिनेशन में लाइए नबी का दौर होता और आप नमाज पढ़ा रहे होते और नमाज के दौरान किबला बदल जाता क्या पीछे वाले 190 की डिग्री पे घूम जाते इख्तलाफ ना शुरू हो जाते पकड़ो बच्चों की बात ना हो जाते सल्लम की मार्फत मिलने पर हुक्म की पैरवी करने वाले सहाबा भी हर आसमिश में कामयाब होते हैं बंदे मोमिन का दिल है ना ये कंपस की तरह पुरकार जिधर घुमाओ उधर घूम जाओ तो आपको मुझे कभी रिजेंटमेंट नहीं करनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलना पड़ेगा पहले तो आप उम्मत वसत होने का मफहूम समझिए अपने इस मनसब को महसूस कीजिए जिस अल्लाह ने आपको मुझे दी इस पे ज्यादा बातें चौदह फोर्थ बारे में होंगी उमत मुस्लिमों पर गवाही की जिम्मेदारी है आज दुनिया में बंदे, बंदे बच्चे बच्चे तक दीन की गवाही पहुंचाओ और क्यामत के दिन तुम अम्बिया की गवाही दोगे कि अल्लाह इन नबियों ने आकर अपनी कौमों को बताया था अब ये नहीं मानने तो उनकी बात है वी आर बैलेंस नेशन म्याना रवि मोहतदिल रवि इस्लाम में कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है कोई फंडामेंटलिज्म नहीं है वो लोग जिनसे अल्लाह राजी हो गया था उनके नजरियात और उनके अकायद बड़े मोत दिल थे गलुब से पाक थे एग्जेजरेशन नहीं करते थे और ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा और राहमत है आज की उम्मत मुस्लिमों को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा अपने बच्चों को ऐसा दीन दीजिए कि वो हमनक ना लगे बेवकूफ़ ना बने आज हम अगर अपने दीन की खूबसूरतियाँ देख लेना तो कभी हम उनको छोड़कर कभी दूसरे के तरीकों को न अपनाए तो इसमें एक बहुत खूबसूरत नुकता जो साहबा से हमें मिला वो क्या है? क्या नबीसलम ने मुझसे बोल के कहा के लोगों कि लोगों की बिला तब्दील कर लो नमाज में नहीं बोले होंगे ना नबी को कोई काम करता देखा साहबा ने भी कर लिया तो इतबा इताद से भी बड़ी चीज है आप अपने बच्चे से कहते हो पानी लाओ वो खुशी से पानी का ग्लास ले आए उसने आपकी बात मान ली इसको कहेंगे इतात आप कहते बेटा जूता उतार दो बच्चे ने भी उतार दिया यह है इतात लेकिन एक है आप कोई काम करती हैं और आपको करता देखकर बच्चा भी वही काम करे इसको इतबा कहते हैं तो किबले की तब्दीली जो है ना ये इतबा रसूल की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है जितना ज्यादा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबार इतात करते रहेंगे उतना याद रखिए कि उम्मत मुस्लिमा का नसीब बदलता रहेगा तो इस वक्त जो सबक आपने मैंने बींग उम्मत पढ़ना है इमामत का हक अदा करना है वो क्या है कि इतबा सीखिए किसी को बोलना भी ना पड़े हुक्म की ताजिए फोट को कीजिए ये जो इमामत का कॉन्सेप्ट है ना वो इतवा में छुपा हुआ है आपके सहाब कराम को जो आपसे मोहब्बत थी इसका नतीजा था कि वो हर उस काम को करने की कोशिश में लगे रहते जो नबी ने किया होता वही खाना खाते जो नबी खाते थे जिस तरह से वो खाते वैसे खाते जो उनको पसंद था वही उनको था तो ये दर्जा लाने के लिए भी उम्म मुस्लिमों को अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आज हमारे तो लाइफ स्टाइल बदल गए हमारी हर चीज का तरीका बदलता जा रहा है दिन दिन ब खुशियां गमियां तो बहुत ही बदल गई तो सहाबे कराम की सादत मंदी क्या थी कि नबी के हर तरीके की पैरवी करते थे हर आजमाइश में पूरे उतरते थे हिदायत याफ्ता थे चलिए नफ़लम के सहाबा तो थे ही अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी आलिम थे और उसमें से मुसलमान हुए थे अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे साथ भी नबी वकास कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से अब्दुल्ला बिन सलाम के सिवा किसी और के मतलब ये नहीं सुना कि वो अहले जन्नत में से हैं ये सही बुहारी की रिवायत है थ्री एट वन टू तो हमें भी इतबा और एतात का मुकाम हासिल करना है चार पाँच लफ्स लिख लीजिए आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो आप चाहते हैं कि अल्लाह तला तो आपसे इमामत का काम ले आपसे अल्लाह अपने दीन का काम ले तो नंबर एक हक के गवाह बन जाइए हक की बुनियाद पे किसी को चूज करें या उसको रिजेक्ट करें चेहरों से खुशबू लाइए चेहरों पे खुशबू दिखाइए बंदे मोमिन के चेहरे पे एक अजीब सी मसूमियत होती है फिर अपने अंदर बहादरी लाइए जीरक बनिए है मोमिन बड़ा कैयस होता है अक्लमंद बनिए चुलबुलापन खत्म कर दीजिए और अपने घर वालों को अपने साथ मुस्तकीम पर चलाने की कोशिश करते रहें और रसूल की पैरवी सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है किताब और सुनना से रहनुमाई और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की सरपरासी बन जाए अल्लाह मुझसे और आपसे ये काम ले लें आगे देखेंगे रुकू नंबर दो भी बहुत ही खूबसूरत है पूरा पारा ही प्रोफाउंड है देखिए पहला पारा था ना बनी सैड की बातें कह के, के, के निकलते जा रहे थे निकलते जा रहे थे इस पारे की हर आयत पाँव पकड़ती है पहले मेरा हक अदा करो फिर जाना तो अगर आपने ये सेकंड पारा मोहब्बत से पढ़ सुन लिया तो काफी कुछ आसान हो जाएगा इनशाला देखते हैं आयत वन से वन टॉपिक है इल्म हासिल करना और तस्की नफ्स की कोशिश अल्लाह फरमाते वाली कुल इन हुआ हर शख्स एक ना एक तरफ हो रहा है तुम अपनी नेकियों की तरफ दौड़ो जहाँ कहीं भी तुम हो गए ले आएगा अल्लाह हर चीज पर कादिर है हर एक का एक विच है शौक है वीक पॉइंट है हर एक ने अपनी जिंदगी में किसी चीज को फोकल पॉइंट बनाया हुआ है आप जरा अपना फोकल पॉइंट सोचिए मिसाल दे देती हूँ जैसे माँ के लिए न्यू बॉर्न बेबी सब बच्चों को भी माँ भुला देती है जब न्यू बॉर्न बेबी गोद में आता है। बच्चा रोए तो माँ एकदम हरकत में आ जाती बच्चा भूखा होगा सोए बच्चे को उठा उठा के माँ देख रही होती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो वाली कुल दिन विज हतन हुआ वो का आप अपना भी विच ढूंढिए वो चीज जिसकी तरफ चेहरा हो किसी का फिल्में होंगी जैसे फोन हर वक्त फोन चेक करते रहते हैं हर वक्त सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं अल्लाह कहते हैं कि किबले की बहसों में पढ़कर अपनी जिंदगी के किबले ना भूलो और तुम में से हर एक असल में वही है जिसमें उसका दिल पड़ा होगा आप और मैं आज इस जिंदगी में जो कर रहे हैं ना खुशी से और शौक से वही हमारा विच है करो के फर्स्ट तबेकुल खैरात रश टूर्ड्स गुड डीड्स छोड़ो झगड़ों को छोड़ो ये उसकी मर्जी ये उसकी मर्जी ये मेरा नहीं काम मैं नहीं ये फ्लायर आगे करती मैं इस किताबत नहीं देती तुम्हें क्या लगे फसता बिल्कुल खी रात आज फिरको फिरको जमातों गिरोहों में पढ़कर हम अपनी बहुत सारी नेकियों को जया करते हैं कल कबर में हमें अपनी एक एक नेकी याद आ रही होगी इसलिए क्या फरमाया कि जहां कहीं तुम हो गए तुम्हें ले आएगा क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है आप जहां से निकले अपना मुंह नमाज के लिए मजिद हराम की तरफ कर लिया करें, यही हक है आप की तरफ से जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह तला बेखबर नहीं और जिस जगह से आप निकले अपना मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और जहां कहीं तुम हो अपने चेहरे इसी की तरफ किया करो ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रह जाए सिवाय इन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया है तुम इनसे ना डरो मुझ ही से डरो ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं और इसलिए भी कि तुम रहे रास्त पाओ जिस तरह हमने तुम ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताबोक और वो चीजें सिखाता है जिससे तुम बेम थे इसलिए फसु नियम वश गि तुम मेरा जिक्र करो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। मेरी शुक्रगुजारी करो और ना शुक्री से बचो क्या खूबसूरत अंदाज में 148 से 152 में बैतुल्ला को उमत मुस्लिमा का इम्तियाज बना दिया बैतुल्ला क्या है हम सब के दिल में उसकी मोहब्बत है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी की तामीर में सल्लम की बेसत की दुआएं की थी आज अल्लाह हमें नबी की बेसत का मकसद बता रहे हैं कि दीन इस्लाम की तकमील नबी तो अपनी जिंदगी गुजार के चले गए हमने देखना है क्या हमारे अंदर ये खूबियां हैं जो अल्लाह रद्ला में होती हैं क्या हम भलाइयों में सबकत करते हैं अल्लाह से डरते हैं आयात की तिलावत करते हैं अल्लाह का शुक्र करते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं किताबों की तालीम लेने और देने वाले हैं अगर हैं तो मुबारक हो आपको आज के इस दौर में सिर्फ वही लोग बचे में जो इल्म की छतरी के नीचे हैं Under the umbrella of knowledge. ये जो छोटी चुट छोटी क्लासेस ये छोट-छोटे चुट सेशंस, ये दौरे कुरान एक महीने का फिर कुछ और कुछ और ये मैं कितने जरासीमों से बचा लेता दिल दिमाग कितना मुतमयन है आप थके में अल्लाह का शुक्र है मुझे तो कोई थकन नहीं हो रही और अल्लाह ना करे कभी भी हो जिस चीज में आपको मजा आ रहा होता है ना आप उसको इंजॉय कर रहे होते हो और इस हिस्से में अल्लाह ने बताया कि किबले की बहसे छोड़ो एक है मशरक है या मगरब है तुम जाहिर चीज़ों पे आज भी देखिए हमारे मुल्कों में मसल की बुनियाद पे नमाजों के जाहरी तौर तरीके पे बड़ी बात है हाथ ऊपर रखो के नीचे सजदा ऊंचा के नीचा रफुलजद करना के नहीं करना औरत और मर्द की नमाज क्या कोई एक भी ये कहता है कि खुशबू और खुद से पढ़ो कोई नमाज नहीं पढ़ता कोई फिक्र नहीं है जहां कोई पढ़ने लगता कहते है, किस तरीके से पढ़ते हो फिक के की रोशनी की फलां की है अल्लाह कहता है तुम फंसता बिल्कुल खी राहत बनाओ मेरा जिक्र करो मेरा शुक्र अदा करो अल्लाह ने खाना काबा की तामीर के वक्त जिस रसूल की दुआएं करवाई थी अब वो रसूल आ चुका है और आप और मैं अपने सीने पे हाथ रख के कहे कि हम कितने खुशकिस्मत है कि हम उस नबी की उम्मती हैं चंद सेकंड के लिए सोचिए अगर हम उम्मत मोहम्मदिया में ना होते है हमारे पास कोई और क्राइटेरियन बचने का हुल्लू खिस्बे भी माले ही हर गिरोह जो कर रहा है वो उसी खुश है हम भी खुश होते किसी बुद्ध को पूछते तो खुश होते कोई स्लीव के पीछे खड़ा उससे वत होता ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको मुझे नेमत दी और इस नेमत का बदला क्या है आप जितना अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह आपको याद करता किसी ने कहा कि मुझे पता लगता है अल्लाह मुझे कब याद करता है कब कहा जब मैं उसको याद करता हूँ शुक्र गुजार बंदा अल्लाह को याद रखता है और जितना शुक्र है उसको अल्लाह कभी कभी याद आता है अल्लाह करे कि अल्लाह हमें हर वक्त याद आ जाए अब जब हम उम्मत मुस्लिम के फर्द बनेंगे उम्मत वसत के तकाजे पूरे करेंगे दूसरे लफ्जों में की कि इमामत का हक अदा करेंगे तो मुश्किल तो बहुत आएंगी इन्हीं का तस्करा है आयत वन फिफ्टी थ्री से सिक्सटी थ्री राह हक में कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाओ वसला ऐमान वालो सब्र नमाज के जरिए से मदद चाहो अल्लाह तला सबर करने वालों का साथ देता है और अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमश जरूर करेंगे दुश्मन के डर से भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से और इन सबर करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए कौन अल इज़ा साबत हम मुसीबा जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह की मलकियत है और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं इन पर इनके रब की नवाशें और अहमदे हैं और यही लोग हिदायत जागता हैं इन न सफा बल मरविन शायर सफ़ा और मरवाल्ला की निशानियों में से हैं इसलिए हज बैतल्ला इसलिए इनका तवाफ कर लेने में भी कोई गुना नहीं अपनी खुशी से भलाई करने वालों का लख दरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं बावजूद इसके कि हम इसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं इन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है मगर वो लोग जो तोबा कर ले और इसलाह ले और बयान कर दे तो इनकी तोबा कबूल कर लेता हूँ और मैं तोबा कबूल करने वाला रहमो करम करने वाला हूँ यकीनन जो कुफार अपने कुफर में मर जाए इन पर अल्लाह ताला की फरिश्तों की और इन तमाम लोगों की लानत है जिसमें वो हमेशा रहेंगे ना इनसे हल्का किया जाएगा और ना इन्हें ढील दी जाएगी तुम सब का मबूद एक ही महबूत है इला हुकुम वाहिद। इसके सिवा कोई मबूत नहीं वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है क्या पता चला बस तयीन बब्री वसला सबर और नमाज से मदद मांगो लिखिए इमामत का मनसब मिला लीडरशिप है वी आर वर्ड लीडर जितना आपका रैंक बड़ा होता जाएगा आप से जिम्यदारान और जिम्यदारान से ज़िम्मेदारान ज़िम्मेदारान और भी ज़िम्मेदार बनते जाएंगे किसी चीज के उतनी जिम्मेदारियां ज्यादा आएंगी उतनी मुश्किल ज्यादा आएंगी अल्लाह जिन जिनसे बड़े काम लेता है उनको हौसले भी बड़े देता है उनको दिल भी बड़ा देता है उनको समझ भी बड़ी देता है और जिसके सीने में ला लाला की हकीकत समाज हो जाए वो अल्लाह की हस्ती को पहचान ले उसको फिर कोई चीज मुश्किल नहीं लगती इस रस्ते में जो मुश्किल आए बिस्मिल्लाह, जो परेशानी आए बिस्मिल्लाह। इम्तिहान का पर्चा मुश्किल किसको लगता जिसने मेहनत नहीं की होती सो सो के वक्त गुजारा फिल्में देखी जो पढ़ के जाता है उसके लिए हर सवाल आसान होता है इन इम्तिहानी मुश्किल में जो अल्लाह के इस दीन के रास्ते में आती हैं कामयाबियों के रास्ते बस नमाज 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 सबर 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 अल्लाह से मोहब्बत करना हर किस्म की नाखुशगवारी को बर्दाश्त करना इस हक के रास्ते में अकेले रह गए खड़े रहिए जमे रहिए लोग साथ चले बिस्मिल्ला लोग साथ नहीं चले आप खड़े रहिए कामयाबियां मिली बिस्मिल्ला नाकामिया मिली बिस्मिल्ला। ना मुफिक हालात आ गए बिदकना नहीं नतज अच्छे नहीं निकले आपने इतनी कोशिश की कोई आया ही नहीं कोई बात नहीं है आप अल्लाह के साथ बंदे रहे मैं बच गई मैं कामयाब हो गई ऐसे लोग कामयाब होंगे याद रखिए कि हक की राह में मुश्किलात और मसाइब का दूसरा सबब मोमिन का तबलीगी किरदार होता है अपने घर में बंदा बेगाना बन जाता है अब जरा सी तन तबलीग तो करे बच्चों को शोहर को घर के बुजुर्गों को किसी को कहे लोगों को ये काम अच्छा नहीं लगता दावत और तबलीग का काम नसीहत और तनकीद का काम है और ये किसी को भी अच्छी नहीं लगती जो लोग सेल्फ सेंटर्ड है एम सो सेंसिटिव मैं नहीं बात सुन सकती मैं किसी के माथे पे तेवरी नहीं बर्दाश्त कर सकती आई एम सो सेंसिटिव वो घर बैठे वो ये काम नहीं कर सकता ये तो आयरन काम होता है या फिर आप दीन बदल देंगे दीनदारी को दुनियादारी बनाएंगे लोगों की पसंद का दीन पेश करेंगे कड़वा दीन तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे वक्त में आप जम जाए हक यही है मैंने सूद को हलाल नहीं कहना मैं अल्लाह के दीन के किसी हुक्म को बदल नहीं सकती कि ज्यादा लोग आए मेरे पास मीठी चीनी खोल खोल के शरबत नहीं पिलाऊंगी जिसको पीनेगेनिक और, पी ले ओरिजिनल पी लें खट्टा है मीठा है जो भी है पी लो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह के इस रस्ते में जम जाए मैं उसका साथ दूंगा और ऐसी ही चीजों में मरवत में शायरी एक औरत तन तनखा बच्चे के साथ शोहर भी छोड़ गए हाँ मोहते गिल्ट में चले जाते हाय मेरे मियाँ मुझे छोड़ गए हाय सारी जिंदगी की मोहब्बतों का ये बदला दिया इब्राहिम का वतन इराक था अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हाजरा और बेटे को लाकर वहां छोड़ गए जहां आज मक्का ना आबादी ना पानी प्यास का तकाजा हुआ तो हाजरा पानी की तलाश में इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर और सफर मरवा के बीच में चक्कर लगाती रही और कोशिशें तेज कर दी नतज कोई नहीं जब बिल्कुल थक हार के आके बैठी अल्लाह ने बच्चे की एड़ियों से जमजम का चश्मा खड़ा कर दी ये हिन्दल हम सबरे आज आपकी मेरी सारी बाग दौड़ से कुछ भी ना हुआ ना तुम्हारे बच्चों की एड़ियों से जमजम के चश्मे फूटेंगे इनशाला माए हाजरा जैसी बन जाए बेटों की तरबियत इस्माइल जैसी कर जाइए अल्लाह रेगिस्तानों और ब्याबानों में आपके लिए अपनी कुदरत से रिस्क के चश्मे जारी कर देगा जब भी हजर उम्र पे जाते हैं सफा मरवा की सही का यही मैसेज है और हम था खार के आ जाते हैं लोगों को देखते रहते हैं आज भी इस रस्ते में ये जो भाग दौड़ इधर से उधर उधर से इधर इधर से उधर असल में अब अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलवा रहे होते हैं बीबी हाजरा की वो जो दौड़ थी ना वो सिर्फ अपने बच्चे की प्यास की नहीं थी वो एक उम्मत की प्यास थी इंसानियत बिल्कुल मुरझा रही थी अरब तो बिल्कुल बंजर हो गया था अल्लाह तला ने वहां उस औरत को दौड़ दौड़ करवा के आज क्यामत तक के मर्दों को उस औरत के नक्शे कदम पे चला दिया के जो मेरे रस्तों में भाग दौड़ करते हैं उनके अल्लाह निशान राह जो है उसको भी जाया नहीं करता हिजरे असद मुकाम इब्राहिम और जमजम ये सारा इब्राहिम का आना ही तो है अल्लाह मुकाम इब्राहिम को दिखाता है कि जो कदम हमारे रस्तों में खड़े हो जाते हैं मैं उनको लोगों की हिदायत का जरिया बना देता हूं असल बात है कि हम थोड़ा सा इस पर गौर फिक्र करें तो आज का पैगाम क्या है दीने हक के रस्ते की मुश्किल पे जमे रहिए कोई काम सब करने लग जाए तो बहुत आसान लगता है जब फैशन बन जाएगा सब करेंगे आज अभी अकेले हैं आप बारिश के पहले कतरे हैं आपका मुकाम बहुत है आज कल जन्नत सेल पे है है, टेंडर क्योंकि ले ही नहीं रहे लोग देखिए कोई चीज़ सस्ती कब होती है चीज मौजूद है डिमांड खत्म ये सेवेंटी परसेंट सेल क्यों लगती है एंड ऑफ सीजन के ले जाओ अब सब मौसम बदल गया अब अगले साल तक कौन रखे? आज दीन के काम पे सेल लगी हुई है आज नमाजे पढ़ने वालों का मुझे नहीं पता रोजे रखने वालों का मुझे नहीं पता पर एबीसीडी पर्सनल अपनी ग्रूमिंग के लिए वर्शेप और मुझे नहीं पता लेकिन आज दूसरों के लिए तड़पने वालों अल्लाह की रजा पाने के लिए सब्र करने वालों अल्लाह के आगे झुकने वालों और अल्लाह के रस्ते में शार की गवाहियों देने वालों के बड़े दर्जे जैसे नबी के दौर में सहाबा को रजियाल्ला का दर्जा मिल गया ना आज भी ये तैयार है अपनी असलाह की कोशिश करें पिछली जिंदगी में तोबा करें और आगे नेकियों का शौक रखे इनशा आप देखिएगा मुस्तबिल बहुत रोशन है आप ही की गोदों में से अबू बकर और उमर जैसे बच्चे निकलने हैं माए हाजरा जैसी बन जाएंगी बच्चे इस्माइल बन जाएंगे माँ मरियम बन जाए बेटा इस्माइल हजरत ईसा जैसा बन जाएगा और माँ फातिमा बन जाए तो बेटे इनशाला तला हसन और हुसैन बनेंगे

रब बनात मिन्ना ताला ही का आमीन जजाक खैर इनशा कल मिलेंगे आगे भी हमारा सुबह का एक सेशन भी शुरू हो रहा है कल से आज रिबातलूम के रिबात देंटर जो है आपने से अक्सर को पता ही होगा तो कल सुबह वहां ग्यारह बजे से साढ़े बारह के बीच में हमारा रूहुल कुरान के नाम पे एक और नया सिलसिला शुरू हो रहा है ऑनलाइन वालों के लिए इन उस वक्त नहीं आएगा लेकिन आपको हम आज मैसेज में बता देंगे कि कुछ घंटों के फर्क के साथ आएगा जो आपके साथ ही इस वक्त नहीं आ पा रहे इधर किसी वजह से और उसका टाइम भी कम है वो ओनली वन एन हाफ आवर है तो आप कल उनको वहां भेज सकते हैं इनशाला ځزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته